ये 2015 की बात है काफी साल पहले की बात अचानक एक दिन मम्मी की तबियत खराब हुई और टेस्ट वगैरह होने के बाद पता चला कि मम्मी को कैंसर था फिर मैंने गूगल किया एंड देखा कि ऐसा कोई हीलिंग थेरेपी है जो कि आप डिस्टेंस से किसी को भी कुछ भी हील कर सकते हैं तो ऑफिस में भी फेमस होने लगी मैं कि सिर्फ फिजिकली नहीं बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें चेंज कर सकती थी किसी को नौकरी चाहिए किसी को यू नो अच्छी इंक्रीमेंट चाहिए या किसी के रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम हो रही है मैं थोड़ी बहुत हेल्प करती थी तो तो तब से आज तक थैंकफुली था, अभी तक तो यू नो पीछे मुड़ के देखने की जरूरत पड़ी नहीं ट्रेडिशनली जो मेडिसिन ओरिएंटेड सॉल्यूशंस होती हैं वो क्योरेटिव है आपके प्रॉब्लम्स है आपको क्योर चाहिए जब आपकी कोई भी नेचुरल थेरेपी में आते हैं वो इट इज़ वेरी होलिस्टिक इन नेचर एंड वेरी नेचुरल जब आप इस यूनिवर्सल शक्ति को अपने प्राण शक्ति के द्वारा चैनल करते हैं और किसी भी रिसीवर को भेजते हैं ये पूरे प्रोसेस को healing, हीलिंग रेकी हीलिंग बोलते हैं आप पानी को कुछ भी बोलो उनको याद रहता है इसीलिए हम पानी हमारे देश में या कहीं भी यू नो रिवर्स को हम पूछते हैं अब मानो या ना मानो या कोई माने या ना माने हम सबको जब से हम जन्म लिए हैं हम सबको एंजल्स असाइंड होते हैं हम सारे क्रिएटर्स हैं अपनी जिंदगी में को क्रिएटर्स हैं भगवान ने क्रिएट किया हम अपनी जिंदगी की स्टोरी खुद लिख रहे हैं को क्रिएट कर रहे हैं अगर आपको कुछ भी चाहिए सबसे पहले तो आपके आसपास में बहुत अबंडेंस ऑफ चीजें अवेलेबल है जिसको आप यूज करके उसमें अगर, अगर अपना फोकस थॉट डालो तो बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट हो सकता है सबसे आसान चीज होती है पानी नमस्कार आप सभी को आज टी आर टॉक शो में हमारे साथ जो गेस्ट रहेंगी उनका नाम है सोमा पूरा इंट्रोडक्शन सोमा से ही लेते हैं स्वागत है सोमा आपका शो पे थैंक यू सो मच अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सोमा मेरा नाम सोमा चाटर्जी है मैं बाय एजुकेशन एक एमबीए बी ग्रेजुएट हूँ एंड कॉर्पोरेट में मैंने 16 साल निकाले बिफोर गेटिंग इन अ अम्पलीट पैशन ओरियंटेड प्रोफेशन जो की स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी है तो मैं अभी एक एनर्जी हीलर हूँ एक रीडर हूँ ट्रेनर हूँ बहुत सारे स्पिरिचुअल थेरेपीज की और एक हैप्पीनेस कोच हूँ और मेरी कंपनी का नाम है इनर विजडम लाइट में उसकी फाउंडर हूँ एंड रिसेंटली मैं एक ऑथर बनी आई रिलीज सेल्फ हेल्प जर्नल जिसका नाम है माई स्ट्रेस बिन तो मैं इसकी ऑथर बनी एंड इन सब में घुसने से पहले जब मैं um, कॉर्पोरेट में हुआ करती थी तो उस टाइम पे मैंने काफी सारी चीजें अपनी पर्सनल लाइफ में देखा चेंज होते हुए कुछ पर्सनल किस्से हैं जो मेरी मम्मी के साथ हुआ हेल्थ वाइज तो उसकी वजह से मैंने रेकी सीखना चालू किया एंड आफ्टर आई स्टार्टेड लर्निंग रेकी मैंने बहुत सारी अलग अलग स्पिरिचुअल मोडालिटीज में प्रैक्टिस चालू की और बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस अपनी लाइफ में देखी वो किस्सा बताएं सोमा आप प्लीज हाँ तो जब मैं कॉपरेट में थी ये 2015 की बात है काफ़ी साल पहले की बात है जब मैं थी अचानक एक दिन मम्मी की तबीयत खराब हुई और टेस्ट वगैरह होने के बाद पता चला कि मम्मी को कैंसर था थ्रोट कैंसर था एंड मुझे मेरे लिए बहुत बड़ा शौक था क्योंकि मैं दिल्ली में मम्मी वेस्ट बंगाल में थी और मेरा बेटा तब बहुत छोटा था तो मेरे लिए यहाँ से जाके नई नौकरी को छोड़ कर के उनके पास जाके सब कुछ देखना बहुत मुश्किल था मम्मी को आना था नहीं यहाँ पे उनका पूरा का पूरा सेटअप वहां पे था सो so, मुझे ना अंदर ही अंदर बहुत एक गिल्ट सा लगता था कि मैं मम्मी है कुछ ज्यादा नहीं कर पा रही हूं उनके लिए तो अचानक से रात को यू नो दिस वर्ड रेकी ये ये दिमाग में मेरे आते रहा मतलब कॉन्स्टेंटली रेकी कहीं किताब पढ़ रही हूँ उसमें रेकी आ रही है रेडियो में गाने सुन रही हूँ तो जॉकी बोल रुकता है रेकी कुछ कुछ रेकी कहाँ कहाँ कुछ बिलबोर्ड में देख रही हूँ तो मुझे समझ नहीं आता था कि ये क्यों इतनी बार बार ये वर्ड आ रही है एंड फिर मैंने गूगल किया एंड देखा कि ऐसा कोई हीलिंग थेरेपी है जो कि आप डिस्टेंस से किसी को भी कुछ भी हील कर सकते हो मुझे लगा कि अगर मैंने ये सीख लिया तो हो सकता है कि मम्मी की जिंदगी में मैं थोड़ा सा कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर पाऊ चेंज लाऊ हाँ एंड दैट इज हाउ मैंने सीखी इसको सीखने के बाद जब मम्मी की थेरेपीज चलती थी उसके बाद मैं थोड़ी सी यहाँ से हीलिंग भेजती थी तो उनको काफी राहत मिलती थी एंड मुझे बहुत राहत होती थी, थी उनसे ज्यादा की <laughs> मतलब मैं कुछ ऐसा कर पा रही गिल्ट से बाहर निकल आते हैं हम कि यस यस आई एम डूइंग समथिंग समथिंग फॉर माय मदर सब्सटेंशियल अपार्ट फ्रॉम जस्ट डूइंग जस्ट कोऑर्डिनेशन करना वगैरह हाँ। तो धीरे धीरे मैंने देखा उनकी तबीयत में सुधार आने लगी एंड शी स्टार्टेड फीलिंग बेटर एंड दो साल के बाद कम्पलीटली ठीक हो गई एकदम ही ठीक हो गई एंड इन दो सालों में मेरी जिंदगी में ना काफी सारी पॉजिटिव बदलाव आई जॉब में प्रमोशंस अच्छी इंक्रीमेंट अच्छे दोस्त मिलने एंड ऐसे सोल कनेक्शन वाले फ्रेंड्स मुझे मिले कि मेरी जिंदगी ना बहुत ही इंटरेस्टिंगली एक एम्पावरमेंट वाली लाइन में चली तो ऑफिस में भी फेमस होने लगी मैं कि आ, सिर्फ फिजिकली नहीं बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें चेंज कर सकती थी किसी को नौकरी चाहिए किसी को यू you नो know, अच्छी इंक्रीमेंट चाहिए या किसी के रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम हो रही है मैं थोड़ी बहुत हेल्प करती थी तो उनको डिफरेंस दिखता था तो ऐसे फेमस होती रही मैं फिर लॉकडाउन आया लॉकडाउन में एंड मेरे दिमाग में बहुत दिनों से चल रहा था कि यू you नो know, नौकरी कब तक करूं शुड आई टेक अ लीप ऑफ फेथ कुछ और करूं क्या तो ये था वैसे बैक ऑफ द माइंड में लेकिन हिम्मत नहीं थी इतनी स्टेबल जॉब छोड़ने की इतनी हिम्मत नहीं थी बट लॉकडाउन में हालात ऐसा था कि इतनी डेस्परेशन थी बहुत सारे कॉल्स आने लग गए कि कैन यू हेल्प एंड उस टाइम पे मुझे लगा कि मेरे पास एक गिफ्ट है जिससे मैं लोगों की जिंदगी में कुछ तो डिफरेंस ला सकती हूँ पॉजिटिव सो so, क्यों ना इस चीज को एक बार एक्सपेरिमेंट किया जाए वाई नॉट टेक दैट लीप ऑफ फेथ तो दैट दैट इज वन मैंने कॉर्पोरेट लाइफ को uh, अलविदा कहा एंड आई स्टार्टेड दिस एंटायर प्रोफेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी फुल टाइम तो तब से आज तक थैंकफुली अभी तक तो यू you नो know, पीछे मुड़ के देखने की जरूरत पड़ी नहीं आगे ही बढ़ रही हूँ थैंकफुली थैंक्स टू द यूनिवर्स एंड जो भी मैं कर रही हूँ ना ये इतना फुलफिलिंग लगता है मुझे कंपेयर टू वॉट आई वॉज डूइंग इट वॉज इट इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल वेरी हैप्पी फीलिंग इन जनरल क्योंकि मैं अपने गिफ्ट से किसी की किसी की मुस्कान ला रही हूँ किसी के किसी की जिंदगी में कुछ अच्छा बदलाव ला रही हूँ तो देट मेक्स मी फील वेरी फुलफिल्ड रेकी so, में कैसे क्या होता है वो बताओ रेकी एक नेचुरल हीलिंग थेरेपी है जैसे हम हमको अगर कोई प्रॉब्लम हो गई लाइफ में तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे बोलेंगे सर में दर्द है जुकाम है वॉट एवर इज द सिम्टम वहां पर जाएंगे और बोलेंगे ये प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन है सो so, ट्रेडिशनली जो मेडिसिन ओरिएंटेड सोल्यूशन होती हैं वो क्योरेटिव है आपके प्रॉब्लम से आपको क्योर चाहिए जब आप की कोई भी नेचुरल थेरेपी में आते हैं वो इट इज़ वेरी होलिस्टिक इन नेचर एंड वेरी नेचुरल तो रेकी में क्या करते हैं जो भी रेकी हीलर्स होते हैं आ, पहली बात तो ये एक जापनीज स्कॉलर हैं जिनका नाम है मिकाउ उसोई उन्होंने इस टेक्निक को रीडिस्कवर किया था रीडिस्कवर okay, किया था 1922 में इसके पहले रेकी यूज टू तो एग्जिस्ट सारे भगवान आप ले लो जितने भी नोन लोग हैं बुद्धा जी हैं साई भगवान हैं जीसस हैं ये सारे रेकी प्रैक्टिस करते थे लेकिन कैसे करते थे हमें कुछ नहीं पता था सिर्फ हाथ लगाते थे और लोग ठीक हो जाते थे हमें लगता था कुछ जादू है इनके अंदर में कोई स्पेशल आध्यात्मिक शक्ति है लेकिन इस चीज़ को कैसे करते थे इन्होंने कि इन्होंने भी पताए नहीं हम लोगों को तो बट द होल थिंग वॉज वेरी फेमस तो मिकाओ उसी को ये था कि मुझे पता करना था कि ये कैसे करना है तो उन्होंने एक जापान में एक माउंटेन है माउंट कुरामा वहां पे वो गए और 21 दिन की तपस्या में वो घुसे कि मुझे खुद को जानना है और यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करके मुझे ये शक्ति या ज्ञान अब प्राप्त करनी है कि मुझे पता करना है कि कैसे होता है ये इक्कीस बार दिन हो गया कुछ उनको हुई नहीं मतलब कुछ ज्ञान हुआ नहीं तो फ्रस्ट्रेट हो गए और लगा कि यार ये तो होने वाला है नहीं मैं निकलता हूं ध्यान से बाहर ध्यान से बाहर निकलने वाले ही थे कि सडनली ऐसा लगा कि सारी दुनिया का जितनी भी ज्ञान है सारी सिंबल्स जितनी भी मतलब रेकी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है सडनली एक मोमेंट में ना पूरा डाउनलोड हुआ उनके ऊपर लाइक अ बिग वाइट लाइट ऐसा फ्लैश जैसा हुआ एंड उनको सडनली ऐसा लगा कि एवोल्यूशन हुई उनकी तो उसके बाद से जब वो वापस आए उन्होंने फिर ये प्रैक्टिस शुरू किया सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं उन्होंने सिखाना शुरू किया दैट वॉज द फर्स्ट टाइम रेकी की जो नॉलेज है वो ज्ञान सब में बटा बट दैट इज वाई सेट की इट वॉज री डिस्कवर्ड बाई मिकाउसी तो ये जापनीज टेक्निक है बिकॉज इट इज जापनीज क्योंकि मिकाउसी जापानीज थे तो रे की वर्ड जो है ये जापनीज है क्योंकि okay. उनको और कोई लैंग्वेज आती नहीं थी तो उन्होंने जापनीज सीखी तो रे और की दो वर्ड्स हैं जापनीज में रे का मतलब है यूनिवर्सल इंटेलिजेंस जो विश्व ब्रह्मांड की जो यूनिवर्स में जो भी इंटेलिजेंट एनर्जी है ऊर्जा है ये वो है की इज योर ओन प्राण शक्ति जैसे प्राणायाम में हम प्राणा बोलते हैं आपकी खुद की प्राण जो की शक्ति है व्हाट इज मेकिंग यू अलाइव जो आपको एनिमेट करती है ये वो है तो इसको हम चाइनीज में ची बोलते हैं जो कुंकु पांडा मूवी yes. में वो करते yes. हैं ऐसे ची निकालते हैं जापानीज़ में की बोलते हैं इसके कई नाम है संस्कृत में इसको प्राणा बोलते हैं तो जब आप इस यूनिवर्सल शक्ति को अपने प्राण शक्ति के द्वारा चैनल करते हैं और किसी भी रिसीवर को भेजते हैं ये पूरे प्रोसेस को हीलिंग रेकी हीलिंग बोलते हैं तो रेकी हीलिंग इज अ वेरी नेचुरल हीलिंग थेरेपी जिसमें ना मेडिसिन है ना कुछ भी आर्टिफिशियल है सिर्फ एक प्योर बहुत ही प्योर हाई वाइब्रेशनल नेचुरल यूनिवर्सल एनर्जी चैनल करके आप किसी रिसीवर को भेजते हैं वो एंड उस रिसीवर का जब वो रिसीवर उस चीज को रिसीव करते हैं अपने मन से क्योंकि ये नॉन इन्वेजिव है बिना आपके परमिशन का ये आपके पास जाएगा ही नहीं ओके दैट्स गुड तो ये अभी तक नेगेटिव चीजों में यूज हो चुका होता करेक्ट तो बिना आपके परमिशन का ये आपके पास जाएगी नहीं एंड जब आप इसको रिसीव करेंगे तो ये आपके प्रॉब्लम्स का रूट कॉज तक जाकर के आपको फिजिकली इमोशनली मेंटली और स्पिरिचुअली मतलब होलिस्टिकली पूरी एनर्जी सिस्टम को चेंज करके उसमें पॉजिटिव एनर्जी भरते हैं द अदर थिंग दैट यू टॉक्ट अबाउट की नेगेटिव एनर्जी हाँ। क्योंकि रेकी की जो वाइब्रेशन है हम सब जानते हैं कि एवरीथिंग इज इज यूनिवर्स में सब कुछ है हम आप ये माइक ये सब, हर सब। चीज एवरीथिंग इज एनर्जी कुछ एक वाइब्रेशंस हाँ। निकल ही रही है इसमें हाँ। से तो जो रेकी की वाइब्रेशन है वो इतनी हाई है इतना प्योर है कि उसके अंदर में नेगेटिव वाइब्रेशंस आ ही नहीं सकती ये इतनी हाई वाइब्रेशनल चीज है तो इसीलिए जब रेकी किसी के आप किसी के पास आप भेजते हो तो वो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर ही नहीं सकती बहुत ज़्यादा हुआ कि वो रिसीव नहीं कर रहे हैं तो शायद वो इम्पैक्ट नहीं करेंगे लेकिन नेगेटिवली कभी भी इम्पैक्ट होता नहीं है उसमें ये बहुत ब्यूटीफुल चीज है क्योंकि मैजिक बोलते हैं हम लोग सब अकल्ट साइंस में मैजिक वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना तो अकल्ट के अंदर ही आता होगा रेकी भी। हाँ अकल्ट के अंदर ही आता है बट मुझे लगता है कि ये बहुत ही साइंटिफिक है साइंटिफिक क्योंकि ये एनर्जी है हाँ बाकी भी चीजें साइंटिफिकली प्रूवन है आज के टाइम में तो आप कोई भी साइंस उठाओगे तो सब ऑलमोस्ट आपका साइंटिफिकली प्रूवन ही है जो भी कर रहे हैं रेकी के टाइप्स बताओ रेकी के बहुत सारे टाइप्स हैं इनफैक्ट साइंटिफिकली आप बोल रहे हो तो आजकल तो रेकी को काफी सारे यूएस में हॉस्पिटल्स में बुलाए जाते हैं हीलर्स को कि जो मेडिसिनल थेरेपी चल रही है वो तो चल रही है सात सौ क्योरेटिव के साथ साथ रेकी भी लागते हैं एज अ कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट टू मेडिसिन ताकि वो होलिस्टिकली भी इंसान हील हो पाए तो रेकी के बहुत सारे यू uh, नो you know, तरीके हैं बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज हैं बिलीव सिस्टम्स हैं तो जो ओरिजिनल रेकी जिसको हम जानते हैं उसको उस रेकी बोलते हैं कौन सी उसुई रेकी उस क्योंकि मिकाओ उसुई जो स्कॉलर थे हाँ, उन्हीं स्कॉलर थे तो उन्हीं के नाम के लिए रेकी बना हाँ। तो उनका जो ट्रेडिशनल रेकी हम जानते हैं उसको उसुई रेकी बोलते हैं उसुई रेकी के अलावा जिन्होंने भी जो भी उनके शिष्य है वो लीनियज में आए सो नाइनटीन से उन्होंने किसी को सिखाया जैसे हयाशी है उनको सिखाया हयाशी ने मैडम टकाटा को सिखाया मैडम टकाटा आई जापान से यूएस में दैट वाज द फर्स्ट टाइम रेकी जापान से यूएस ट्रैवल किया एंड टकाटा मैडम ने बहुत सारे स्टूडेंट्स बनाए तो ऐसे एक से एक से एक ना गुरु शिष्य रिलेशनशिप में ये में रेकी जनरेशन hmm. में आती गई जो उनके स्टूडेंट्स थे जो फाइनली अभी जिंदा है दुनिया में उन्होंने अपने मेडिटेशन के थ्रू रेकी की जो ऊर्जा है उसको उन्होंने इवॉल्व किया एक और बहुत ही एडवांस्ड फॉर्म ऑफ रेकी आया है विच इज कॉल्ड द फायर रेकी okay. ये इस होलीफायर रेकी को फेमस किया है विलियम ली रैंड विलियम ली रैंड की लीनियज में आई थिंक वर्ल्ड की मेजोरिटी जो हैं वो विलियम ली रैंड की लीनियज में ही आते हैं okay. क्योंकि उन्होंने हिरोशी दोई से सीखा और उसी ने जो पहले शिष्य बनाए थे उन्होंने 22 शिष्य बनाए थे पहले उनमें से एक हिरोशी दोई थे तो उन्होंने डायरेक्टली उनसे सीख करके फिर पूरी दुनिया में रेकी को सिखाया बहुत साल सिखाया बट सिखाने के बाद फिर उनको खुद को एक अपनी आ, खुद की मेडिटेशन में खुद की पावर में जैसे उसमें गए थे पहाड़ में उनको खुद को भी एक अपना अवेयरनेस आया और उन्होंने फिर एक नया स्ट्रीम इंट्रोड्यूस किया वर्ल्ड में कॉल्ड होली फायर रेकी तो होली फायर रेकी इज अ वेरी एडवांस्ड फॉर्म ऑफ रेकी जैसे आप कह सकते हो कि विंडोज टेन से अगर अपग्रेड करके विंडोज इलेवन कर लो तो वो ज्यादा अपडेटेड होता है तो आजकल के जमाने के जितने भी प्रॉब्लम्स है तब के जमाने में वाईफाई के रेडिएशन नहीं हुआ करती थी इतना पोल्यूशन नहीं होता था इतने सारे स्ट्रेस लेवल्स नहीं होते थे और इस हिसाब का कॉपोरेट एनजाइटी या रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते नहीं थे, थे।, थे तो आजकल के जमाने में जितने जिस लेवल के कॉम्प्लिकेशन है और पूरे वर्ल्ड में जिस हिसाब की एनर्जी चेंजेस हो रही है स्पेशली आफ्टर कोविड ये जो होली फायर एनर्जी है रेकी की दिस हैज द पावर टू हैंडल दिस काइंड ऑफ एक्सट्रीमली इंटेंस एनर्जीज इट इज दैट पावरफुल कि ये आपकी होलिस्टिक हीलिंग तो डेफिनेटली करती है बट ये रूट कॉज से जा करके प्रॉब्लम्स को खींच के मिटा के आपके अंदर इतनी पावर भरती है कि आपका जो करंट फ्रीक्वेंसी में आप वाइब्रेट कर रहे हो वो पूरा वाइब्रेशन आपका चेंज होता है हाँ तो इससे आपकी प्रॉपर होलिस्टिक हीलिंग होती है और बहुत फास्ट होलिस्टिक हीलिंग होती है एडवांस्ड है एडवांस्ड है और आजकल थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड का जमाना है बिल्कुल क्वाइट uh, फटाफट फटाफट हाँ। करने वाला तो उसमें आपको जल्दी चाहिए सबको रिजल्ट तो कह सकते हो कि टू फिफ्टी सिक्स जीबी का रैम हो गया <laughs> जो चीजें नई नई आती जाती है। हर हर जगह आती हैं hmm. वो आपको अडोप्ट करनी है और hmm. फिर आपको आगे उसी में काम करना है तो वो बेटर रह जाता है आप अगर एक ही स्टेप पे रुके रह जाओगे तो फिर ठहर जाओगे ठहरा हुआ तो पानी भी खराब हो जाता है ना एग्जैक्टली exactly. बहते रहना जरूरी है एग्जैक्टली exactly. इनफैक्ट पानी से जस्ट बिकॉज आप कह रहे हो पानी का तो मिका उसी ने देर इज दिस पर्सन उनका नाम है इमोटो वो भी एक साइंटिस्ट है उन्होंने पानी को लेकर के 40 साल बहुत रिसर्च किया और उनका ये कहना है कि पानी जो है उनके अंदर में एक मेमोरी होती है आप पानी को कुछ भी बोलो उनको याद रहता है इसीलिए हम पानी हमारे देश में या कहीं भी यू नो you know, रिवर्स को हम पूजते हैं तो पानी के अंदर में मेमोरी होती है और आप कुछ भी उनको बोलो उनको याद रहता है ये प्रूव करने के लिए उन्होंने दो अलग अलग सेट ऑफ वाटर कप्स लिए एक बहुत सारे वाटर कप्स लिए उन्होंने उनको बहुत सारी गालियां दी उन्होंने बहुत सारी गंदी गंदी चीजें बोली उसको हैवी मेटल सुनाया बोला तुम गंदे हो ये वो बहुत सारी चीजें बोली ई और ईवल ऐसे ऐसे चीजें बोली दूसरा वाला सेट ऑफ कप्स लिया वहां पे उस पानी को उन्होंने बहुत अच्छी चीजें बोली ग्रेटिट्यूड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू आप बहुत पीसफुल हो आप तो प्योर लव हो ऐसे बहुत सारी क्लासिकल अच्छी वाली म्यूजिक सुनाई ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स दिया जो कि पॉजिटिव एनर्जीज को लाती है अब कायदे से आप दोनों मॉलिक्यूल्स अगर वाटर के देखोगे तो सेम होनी चाहिए तो दोनों दोनों सेट ऑफ वाटर्स को उन्होंने फ्रीज किया और जो आइस जब बनी तो उसका माइक्रोस्कोप के अंडर में वो आइस लेकर के उन्होंने दिखाया कि मोलिकुलर स्ट्रक्चर कैसे है पानी का तो जो गंदे वाले पानी थे जिसमें जिनको उन्होंने बहुत सारी अलग अलग नेगेटिव एनर्जीज दिया तो उसमें जब पानी का मॉलिक्यूल देखा उन्होंने तो देखा कि एकदम गंदा सा मडी सा कोई शेप नहीं है अजीब सा कलर है कोई मतलब देखते ही ऐसा लगेगा कि बहुत ही अच्छा खराब है हाँ ऐसे अजीब सी फीलिंग आएगी एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी जब उन्होंने जो अच्छा वाला पॉजिटिव एनर्जी वाला पानी लिया और उसको माइक्रोस्कोप के अंडर में मॉलिक्यूल देखा तो बहुत ही सुंदर सा शेप वाइज जैसे डायमंड का शेप होता है वैसे शेप का स्नो फ्लेक्स जैसा होता है प्योर व्हाइट कलर की बहुत ही प्यारे प्यारे मॉलिक्यूल्स दिखे तो उनका कहना यह था कि देखो दुनिया में मोर देन सेवेंटी इज वॉटर हमारी बॉडी में मोर देन सेवेंटी टू परसेंटेज वॉटर तो जस्ट इमेजिन आप पानी को जैसे ट्रीट करते हो उसको याद रहता है तो आप जो सोचते हो वही चीज आपका जो पानी कंजम्पन है वही आपकी बॉडी में चल रहा है सो एवरी थिंग इज एक्चुअली बींग रिमेम्बर्ड बाय द वॉटर सो इफ यू रिमेम्बर टू टेल समथिंग नाइस टू योर आपकी जो बॉडी में जो पानी है उसको याद रहेगा कि अच्छा सोचना ही है या अच्छा बिहेव करना है तो बॉडी वही फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करेगी एंड hmm. अगर आप अपने आप को बोलते रहते हैं ये मैं तो मोटी लग रही हूँ आज तो मेरे डार्क सर्कल्स आ गए आज तो ये तो पानी को वही रहेगा कि देन बच्चा मतलब ऐसे ही, ये ही रहना है। तो देन इट विल मेक श्योर दैट यू डोंट ट्रीट योर वेरी वेल तो आपको अपनी जिंदगी में क्या चाहिए ये आप डिसाइड करो इन द फॉर्म ऑफ थॉट्स क्योंकि थॉट्स के अंदर में बहुत पावर होता है बहुत फ्रिक्वेंसी होती है एंड अगर आप अच्छा पॉजिटिव था प्रैक्टिस करोगे तो वही थाट्स इमोशन में निकलती है और वही इमोशन आपके कर्म में दिखते हैं सो दैट इज हाउ इफ यू वॉन्ट टू चेंज एनीथिंग अबाउट योर लाइफ तो आप अपने थॉट्स को बदलिए आप देखेंगे नेचुरली धीरे धीरे लाइफ में बहुत चीजें चेंज बड़े लोग कह के ही गए हैं जो अपने बड़े बूढ़े थे वो हमेशा कहते थे कि अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक देखो मतलब बोलो भी मत सोचो भी मत बुरा तो सोचो ही मत मतलब दिमाग में ही मत लिखे वो इसीलिए कहते थे उनका सिखाने का अलग तरीका था है ना अपना जो ऋग्वेद है और जो भी वेद है हमारे वेद में ऑलमोस्ट ये सब चीजें लिखी हुई है बट हमें एक साजिश के तहत मैं कहती हूँ कि हमें इन सब चीजों से दूर रखा गया बट चलो वापस आ रहा है सब संभाल ही रहे हैं आप और बताएं आपकी और क्या क्या प्रैक्टिसेस है प्रैक्टिस मैं रेकी के साथ साथ बहुत सारी अलग अलग स्पिरिचुअल थेरेपीज प्रैक्टिस करती हूँ uh, मैं लामा फेरा मास्टर हूँ मैं एंजल थेरेपी करती हूँ एंजलिक थेरेपी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे okay. क्योंकि मुझे बहुत ही पॉजिटिव डिवाइन बीइंग्स के साथ एम्पावर्ड होकर के हीलिंग्स करना बहुत पसंद है कुछ, कुछ बताओ एंजल थेरेपीज के बारे में तो एंजलिक थेरेपी क्या होता है ना रेकी जैसे आप अपने शरीर को एज अ मीडियम यूज कर रहे हो एंड आप उस शरीर के अंदर में आपके प्राण शक्ति के थ्रू आप रेकी को पास कर रहे हो अपने हाथों से किसी को भी हील करने के लिए एंजेलिक थेरेपी में आप एंजल्स की जो शक्ति होती है हमें ये माना जाता है आप मानो या ना मानो या कोई माने या ना माने हम सबको जब से हम जन्म लिए हैं हम सबको एंजल्स असाइंड होते हैं वो हमारे गार्डियन एंजल्स होते हैं उनका काम ही ये है कि वो हमें प्रोटेक्ट करें वो हमें गाइड करें हमारी जिंदगी में जो हमारी कभी कभी अंदर से वो आती है ना आवाज़ की ये करनी चाहिए mm -hmm. वो ज्यादातर हमारे को एंजल्स गाइड कर रहे होते हैं कि ये करने से सही होगा सो दैट इनर वॉइस इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स गाइडेड बाय द एंजल्स की वो बता रहे हैं हमको तो जब आप इस बारे में अवेयर होंगे तो आप देखेंगे कि आपके आस में बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज हैं इन द फॉर्म ऑफ एंजल्स और क्योंकि वो एनर्जी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो वो आपसे बहुत अलग अलग सिंबल्स एंड साइन से कम्युनिकेट करते हैं जो कि हमें पता भी नहीं होता कि अरे एंजल्स हैं तो कैसे हम उनसे बात करें उनसे कनेक्ट कैसे करें बट वो ऑलरेडी आपसे हर फॉर्म में हर एक साइन में नेचुरल चीजों के जरिए दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ यू जैसे कभी अनयूजल जगह पे आपने अगर फेदर देख लिया मेरे माइंड में बिल्कुल कंटिन्यूसली फेदर चल रहा है हाँ। जब से आप बता रहे हो ना मेरे माइंड हाँ। में कंटिन्यूसली फेदर चल रहा है बिकॉज

ंग कर दिया था किचन में ही तो मिलती हैं ऐसे डिफरेंट जगह करेक्ट तो जैसे फेदर्स आपको मिलेंगे और जिस कलर का आपको फेदर मिलेंगे हर एक का ना अलग अलग मैसेज होता है हुँ. जो कि एंजल थेरेपिस्ट को पता होता है क्योंकि उन्होंने सालों से रिसर्च करके इनके मैसेजेस डी करे हैं फिर कहीं कहीं आपको लगेगा कि अजीब सी एक बहुत सुंदर सी खुशबू आती है कभी कभार अनयूजअली ऐसा नॉर्मली नहीं कभी अगरबत्ती जलाया हो फिर भी नहीं हाँ लेकिन एक बहुत ही अच्छी सी धीमी सी खुशबू आती है दैट इज़ अ डेफिनेट प्रेजेंस की एंजल्स हैं आपके आस पास में इनफैक्ट मेरे साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग uh, हादसा हुआ जब मैं एंजल्स कोर्स प्रैक्टिस कर रही थी काफी साल पहले जब मैं सीख रही थी इस चीज़ को तो uh, जब मेरी नानी हुआ करती थी तो मेरी नानी के साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप था तो बार बार मैं ना उनको बहुत मिस करती हूँ तो मैं अपनी टीचर को बोल रही थी कि Uh, अगर ये एंजल्स आते हैं इन द फॉर्म ऑफ कुछ भी यू नो बटरफ्लाइज के फॉर्म में आते हैं कभी चिड़िया के फॉर्म में आते हैं कभी फेदर्स में आते हैं बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी लेके आते हैं तो uh, क्या कभी ऐसे आप, हमको पता कैसे चलेगा कि ये बटरफ्लाई ही एंजल है आपके पास तो उन्होंने बोला कि आपको खुद को पता चल जाएगा क्योंकि दे विल बी अनयूजल जो नेचुरल नॉर्मल है वो नहीं होगा कुछ एक अनयूजल आपके साथ होगा तो आपको पता चलेगा कि यही है वो एंजल और कौन है ये भी आपको पता चलेगा क्योंकि अंदर से वो आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं लाइक like, मुझे एक विश्वास है कि आई लॉज माई सिस्टर इन टू तो मुझे उसके बाद से ना आई गॉट ए लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग इन माई लाइफ उसके जाने के बाद hmm. तो मुझे हमेशा ये लगता है कि शी इज ऑल दैट फॉर वो मेरे मन में वो हंड्रेड परसेंट है बैठी हुई बात कि शी हैज गिवन हर एनर्जीज टू मी एंड आई एम डूइंग वॉट शी वॉन्ट फ्रॉम मी मतलब वो जो पहले मुझे हमेशा बोलती थी ना कि तुझे ये करना चाहिए तू ऐसा नहीं करती है तू क्यों नहीं करती है आई एम गेटिंग एवरी सिंगल थिंग आफ्टर हर डिस्ट वेरी ब्यूटिफुल यू नो जब हमारी ब्लड लाइन में कोई चले जाते हैं क्रॉस करके हुँ. दूसरी रेल में तो आ, उनको हम स्पिरिट गाइड्स कहते हैं ओके दे हैव अ लॉट ऑफ पावर क्योंकि वो आपको पर्सनली जानते हैं तो वो हमेशा आप कभी भी अगर आप डेंजर में होंगे या आपको कोई दुविधा में होंगे डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स होंगी वो हमेशा आपके साथ खड़े रहते स्पेशली अगर आप क्लोज हुए होंगे उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं तो उस इंसिडेंट में भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ कि आ, कोर्स खत्म हुआ उसके बाद मैं बैल्कनी में खड़ी रही थोड़ी देर और मैं नानी को बहुत मिस कर रही थी और उस टाइम पे मैं जिस बैल्कनी में थी वो पारवे मंजिल पे था तो बहुत ऊंचा था उस लेवल पे किसी बटरफ्लाई का आना थोड़ा अनयूजअल है लेकिन सडनली उस फ्लोर पे एक आई एक बहुत ही इतनी बड़ी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई बहुत ही ब्यूटीफुल उस पर इतने ब्यूटीफुल व्हाइट और गोल्डनिश येलो कलर की ना डॉट्स बनी है और अजीब से ब्यूटीफुल ब्लू कलर की लाइंस बनी थी और कितना खूबसूरत मैं बता नहीं सकती इतना मुझे ऐसा लगा ये क्या है वो ना ऐसे मेरे चारों तरफ ऐसे होवर करने लगी और मुझे थोड़ा सा डर भी लगने लगा कि मेरे पास ये ऐसा बटरफ्लाई आके ऐसे घूम ऐसे मंडरा क्यों रही है फिर आई जस्ट आस्ट इट अपने मन में कि क्या आप नानी हैं क्योंकि मैं आपके बारे में सोच रही थी और अब सडनली एक ऐसे बटरफ्लाई आयो अगर आप नानी हो तो कहीं आप थोड़ा सा बैठो मैं आपकी फोटो लेना चाहती हूँ तो सच में जाकर के एक फूल के मेरे बगीच उसी में बैल्कनी में एक गमला है उसके ऊपर एक फूल था वहां पर जाके आराम से बैठ गई फिर मैं फोटो लेने गई तो उठ गई एंड उठ करके एक डोर मैट था उसके ऊपर जाके बैठ गई फिर मैंने फोटो लिया उन्होंने प्रॉपर पोज करके फोटो दिया मुझे और मैंने फोटो लिया फिर मैं आराम से उसको बहुत देर तक निहारती रही पूछती रही एंड इट मी सच अ पॉजिटिव फीलिंग फिर मैंने थैंक यू बोला कि वो आई और फिर थोड़ी देर मेरे हाथों में आसपास वो रही जैसे कि बैठना चाह रही हो शोल्डर्स के पास आई जैसे कि आशीर्वाद देना चाह रही हो और फिर धीरे से चली गई बहुत देर तक वो थी और वो जो एक्सपीरियंस था सिर्फ मेरे और उस बटरफ्लाई के साथ में था तो वो इतना पर्सनल और इतना ब्यूटिफुल था कि तब से मुझे लगा कि हाँ ये है उसके बाद से जब भी, भी मैं आउटडोर्स होती हूँ और नानी के बारे में सोच रही होती है कहीं ना कहीं कहीं मुझे एक वो ब्लैक बटरफ्लाई जरूर दिखती है आगा। तो आई ऑलवेज फील वेरी ब्लेस्ड कि जब भी सोचो वो हमेशा दिखाते हैं साइंस की वो हैं आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपको दे रहे हैं क्या करते हैं ना एंजल थेरेपी में ऐसे कई सारे एंजल्स हैं अपार्ट फ्रॉम जिनको हम जानते हैं उनके अलावा भी यूनिवर्स में बहुत सारे पॉजिटिव एंजलिक शक्तियां होती हैं जो जिनको आप अगर इन्वोक करते हो उनको बुलाते हो तो आपके साथ साथ वो भी आते हैं और हीलिंग्स करते हैं जिनको इन्व... जो चीज होती है इन करने की कोई लैंग्वेज होती है या हम ऐसे ही बोल देते हैं मान लो कि प्रेयर जैसा हो प्रेयर जैसा हाँ, जैसे आप किसी दोस्त को बुलाओगे क्योंकि एंजल्स भगवान नहीं होते हैं एंजल्स को हम कोई नाम देते हैं या हाँ, मतलब पर्सनल नाम।, नाम देते हैं या उनके होते हैं नाम कोई एक्चुअली उनके तो क्या है ना देखो भगवान के भी तो कोई नाम ऐसा होता नहीं है हम देते हैं क्योंकि हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं उस हिसाब से वैसे ही एंजल्स को हम जैसे आइडेंटिफाई करते हैं वैसे हम नाम देते हैं उनको ना उनका नाम होता है ना उनका कोई जेंडर होता है ना उनका कोई शेप होता है ना कुछ होता है बिकॉज हम लोग ह्यूमन्स हैं और हम एक, हमको आदत है कि हम किसी चीज के साथ उसको जोड़ करके आइडेंटिफाई हाँ। करें तो इसीलिए हम नाम देते हैं कैटेगरीज में बोलते हैं और स्पेसिफिक एंजल्स को स्पेसिफिक फंक्शन में जो सबसे बेस्ट वो करते हैं उस हिसाब से हम कैटेगरीज करते हैं तो जब हम मैं एंजल्स को सिखाती हूँ तो उसमें मैं अलग अलग लाइक पंद्रह डिफरेंट एंजल्स के बारे में सिखाती हूँ और उनका नाम जो हमने दिया है वो सिखाती हूँ जैसे मेरे फेवरेट है आरके एंजल माइकल और आर्के एंजल शैम्यूअल तो उनको आर्के एंजल माइकल तो सबके ही फेवरेट आई थिंक यस ही इज द बिगेस्ट प्रोटेक्टर उनके हाँ। पास से मुझे शिवा जैसी शक्ति आती है और बहुत ही प्रोटेक्टिव लगता है मुझे और जब भी कभी भी लाइफ में कुछ नेगेटिव चल रहा हो कुछ भी लेवल का नेगेटिविटी हो छोटी सी ऐसे मन उदास है से लेकर के बहुत बड़ा कुछ चल रहा हो नेगेटिव तो आप उनको बुलाइए उनमें इतनी शक्ति है ही इज नोन टू कैरी द सोड ऑफ लाइट तो वो एक्चुअली वो तलवार लेकर के आपको लग रहा पूरा फील होता है कि वो काट के आपकी जिंदगी से नेगेटिविटी को पूरा दूर कर रहे हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होता है जब आप एक्सपीरियंस करते हो एक तो एंजल्स भगवान नहीं होते हैं तो आप उनको दोस्त जैसे मान भी सकते हो मैसेजर्स ऑफ गॉड होते हैं okay. तो अगर आपको भगवान तक कोई मैसेज पहुंचाना हो तो आप बोल सकते हो कि जिसकी भी आपको ध्यान आए एंजल को कि आप मेरे को ये करवा के दो तो आप हक से मांग सकते हो क्योंकि दे आर इन बिटवीन गॉड एंड अस तो वो, वो उन... हमारे लिए ही आए हैं एक्चुअली बिल्कुल करेक्ट हमारे लिए ही है वो की हाँ. हमारी सेवा करने के लिए बेसिकली आप हाँ. ऐसे कह सकते हो हाँ उनके ना लेवल्स होते हैं हाँ. जैसे एकदम हायर आर की अगर मानी जाए तो सेराफिम्स होते हैं चेरोम्स होते हैं और एकदम जो लोअर रंग में होते हैं उनको हम एंजल्स बोलते हैं या आर्केजल्स बोलते हैं तो आर्के एंजल्स इतने फेमस इसीलिए है क्योंकि वो हायर आर्की में सबसे लोएस्ट है तो अर्थ की जो प्लेन है सीडी प्लेन में वो सबसे लोएस्ट में होते तो हमारे कांटेक्ट में वो लेवल सबसे ज्यादा है होते हैं हाँ, हमारे हमारे जैसे ही हैं बिल्कुल वो हमारे साथ ज्यादा अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं ये जो साइंस एंड सिंबल्स के बारे में मैंने आपको बताया कि फेदर्स हो गया बटरफ्लाईस होगी बर्ड्स हो गए रेनबो हो गया कितनी सारी चीजें हैं कभी कभी आप जैसे गाड़ी में जा रहे हो आप रेडियो में कुछ एक गाना सुन रहे हो और उस गाने में कोई स्पेसिफिक लाइन है जो आपके दिमाग में बार बार आ रहा है कि यही गाना आप दोहरा रहे हो अपने दिमाग में तो वो डेफिनेटली एंजल मैसेज है तो कभी आपको अगर एंजल से कम्युनिकेट करना है क्योंकि अभी तक तो वन वे कम्युनिकेशन है वो आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है वो लैंग्वेज तो आप सिर्फ एक इंटेंशन डालो संकल्प करो अपने दिमाग में कि मुझे इस बारे में गाइडेंस चाहिए तो जो भी मेरे एंजल्स हो आप मुझे गाइड कीजिए कि मैं क्या ऐसा करूं कि मुझे कोई सोल्यूशन दिखे आप इंटरेस्टिंगली देखोगे कि कोई ना कोई सोल्यूशन आपका निकल ही आएगा या तो वो गाने के जरिए आप कोई बिलबोर्ड देखोगे आप उसमें कोई बड़ी सी वर्ड होगी या फिर कोई फ्रेंड आपको फोन करके कुछ एडवाइस दे रहा होगा ऐसा कुछ ना कुछ आपके साथ जरूर होगा जिससे आपको उस रास्ता मिल जाएगा प्रॉब्लम हाँ पूरा गाइडेंस मिलेगा उसको मुझे ये उनकी चीज बहुत अच्छी लगती है तो ना सिर्फ हीलिंग में आप रेगुलर चीजों में भी उनको यूज कर सकते हो मैं तो खाने में नमक कितना डालना है कभी कभार जब कंफ्यूज हो जाती हूँ तो भी मैं उनकी मदद लेती हूँ पार्किंग मिलने में इतना कभी पर प्रॉब्लम होता है तो श्याम्यूल आरके एंजल स्टूडेंट्स को भी यही बोलती हूँ आरके एंजल शाम्यूअल इज द पीस फाइंडर ही इज द एंजल ऑफ पीस एंड आप कुछ भी चीज ढूंढ रहे हो अगर तो वो ढूंढते हैं तो कभी मेरे कानों की मालिक हो जाती है तो आरके एंजल शामूअल को बोलती हूँ कि प्लीज आप ढूंढ दीजिए सच में इंटरेस्टिंगली Uh, अभी रिसेंटली हुआ कि एक कान की ना मेरी खुल के निकल गई कहीं और मैंने पूरा घर ढूंढ लिया बाहर ढूंढ लिया मुझे कहीं नहीं पड़ी फिर मैंने एंजल को बोला कि प्लीज वो मेरा मेरी दोस्त ने मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे दिया था मुझे वो ढूंढ के दे दो आप मेरे घर के लॉबी में पड़ी हुई मिली जबकि मैं थोड़ी देर पहले गई थी मुझे वो नहीं दिखा सडनली मुझे दिखा तो ऐसे इंटरेस्टिंगली दे विल क्रिएट मेरकल फॉर यू कि आपको विश्वास तो डेफिनेटली होगा कि बिना बिलीव के तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो बिना बिलीव के तो हम लोग यहाँ नहीं बैठ सकते आई डोंट हैव ट्रस्ट ऑन यू तो मैं आपको कॉल ही क्यों करती है ना तो ट्रस्ट सिस्टम पे ही पूरी दुनिया चल रही है हाँ मैं तो बात तो करती ही हूँ उनके साथ लिखती भी हूँ जब जर्नलिंग करती हूँ मैं तो कभी कभार मन के अंदर में जो भी प्रॉब्लम परेशानी होती है ना लिखने के साथ साथ अगर किसी भी एंजल को आप इन्वोक करते हो उनको बुलाते हो कि आप आइए और इस सिचुएशन का कोई सोल्यूशन बताइए आप देखिएगा आपको नींद में भी ना ड्रीम्स में ड्रीम्स के थ्रू भी वो आपसे कम्युनिकेट करते हैं और आपको याद भी रहेगा कि कुछ एक उन्होंने बोला है कि जो आपको करने से बेटर है कितने बारी मेरे साथ ऐसा हुआ है कि कोर्स के बारे में कुछ मैं सोच रही हूँ कि कुछ नया कोर्स डिजाइन करूँ या कुछ नया प्रोग्राम डिजाइन करूँ मुझे हमेशा आइडियाज आते हैं मेरी नींद में मेरी ड्रीम्स में तो वो लिखती हूँ एंड अगर मैंने उसको लॉन्च किया बेसिस कि जो मैंने एंजल से लिया डाउनलोड वो हमेशा कुछ ना कुछ सक्सेसफुल वो होता ही है वो एक और चीज मैं बताती हूँ एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट मैं बैंक में थी तब के जमाने में ना वो आधार कार्ड बैंक में अपडेट करना होता था जाकर के तो मुझे नहीं पता था कि पहले से अपॉइंटमेंट लेकर के फिर जाना पड़ता है ऑनलाइन अपॉइंटमेंट तो मैं बैंक में गई बहुत लंबी लाइन थी पूरा आधा घंटा खड़े होकर मेरा टर्न आया तो मैं बोला कि मेरे को आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट कराना है तो उन्होंने कहा ठीक है ऑनलाइन आईडी बताओ मैंने कहा है मैं तो कोई पता ही नहीं किया ऑनलाइन बोलते नहीं आपको तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके आना था अभी तो आप आओ दो तीन दिन बाद आओ अभी नहीं काम होगा मैंने कहा प्लीज आप देखिए इतने देर तक मैं लाइन में खड़ी थी आप यहीं पे करवा दो जो भी अपॉइंटमेंट आईडी है उसने मना कर दिया मैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड होकर के बाहर चल के जा ही रही थी एकदम बैंड के दरवाजे तक खड़ी थी और जाते जाते मैंने इन्हें एंजल को बोला और एक को भी इन्वोक वो किया आ, कि यार ये काम हो जाता तो मेरे को दोबारा चक्कर नहीं लगाना पड़ता हो जाता तो अच्छा होता बस इतना ही बोला मैंने वो जो बंदा बैठा था वहां पे वो भागते हुए बाहर आया। बोला आओ मैम मैं आपका करा देता मैंने आपको क्या हुआ तो मैं अंदर गई उन्होंने खुद ने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लिया आईडी लिया उसको रजिस्टर किया मेरा पूरा काम पांच मिनट में खत्म कर दिया सो दिस इज हाउ यू नो सिंक्रोनिसपन्स तो मुझे बहुत इसीलिए इंटरेस्टिंग लगता है कितने बारी हुआ है कि फोन मरने वाला है वन परसेंट है बस ये बोलती हूँ की मरना मत <laughs> मेरे को घर पहुंचाने तक तुम जिंदा मजिंदा वो अपने आप ही रहता है कि चार्ज रहता है हमेशा तो ऐसे छोटे छोटे चीजों में मैं बहुत यूज करती करोटी छोटी छोटी चीजों से ही आपका बिलीव बढ़ता है बिल्कुल क्योंकि एकदम आप ये सोचो कि भाई मैं तो जो अनरियलिस्टिक चीजें हैं वो तो वो भी नहीं देंगे उनको भी पता होता है आपका क्या हो रहा है आप कितना कर सकते हो वो आपकी रियलिटी के हिसाब से आपको चीजें मिलती हैं है ना मतलब आप ये सोच लो भैया आज ही मैं तो बिल गेट्स बन जाऊं तो वो इम्पॉसिबल चीज है तो आपको भी काम उसी हिसाब से करना है जिस हिसाब से आप मेहनत कर रहे हो ठीक कह रही मुझे भी ज्ञान है हा, हा, हा। हम सबको ज्ञान होता है मैंने भी खींचा हुआ इधर उधर से <laughs> <laughs> हम ना सारे इंट्यूटिव होते हैं हम सारे साइकिक्स होते हैं बस प्रैक्टिस थोड़ा कम ज्यादा करते हैं कम ज्यादा बिल्कुल बस यही है अच्छा मैं छोटी छोटी चीजों में करती रहती हूँ खुद से ही मतलब आई डेंट लर्न फ्रॉम माई एनी बडी बट हाँ थोड़ा थोड़ा जैसे पढ़ा पढ़ने की आदत है तो वहां से सीख सीख के थोड़ा थोड़ा मैं करती रहती हूँ अच्छा लगता है मुझे तो मेरा तो मानना ही ये है कि हम सारे हीलर्स हैं एवरी ह्यूमन एवरी डॉग एवरी प्लांट एवरी थिंग इज हीलिंग एनर्जी इन इट सेल्फ हाँ ये जैसे डॉग की बात कही ना सोमा तुमने तो मेरा डॉग जब रहा छे साल ही हील्ड मी बहुत हील किया उसने मुझे मतलब ड्रेस्टिकली मेरी लाइफ चेंज हुई है वो जब छह साल रहा ना उसके बाद में मतलब एम ए होल डिफरेंट पर्सनैलिटी ये एनिमल्स मतलब बहुत अच्छे हीलर्स होते हाँ। हैं एक तो बहुत इंटिव होते हैं उनको शक्तियां दिखती हैं जैसे मुझे भी शक्तियां दिखती है मैं क्लेयर वॉइंट हूं तो मैंने अपने आंखों को ट्रेन किया है कि मैं फ्लैश एंड ब्लड के बियॉन्ड देख पाऊँ आपकी एनर्जी बॉडी को देख पाऊँ तो डॉग्स में भी ये शक्ति होती है कि वो आपकी एनर्जी बॉडी को महसूस कर सकते हैं कैसे भी देख सकते हैं महसूस कर सकते हैं तो अगर उनको दिख रहा हो कि आप परेशान हो या आपको कुछ चाहिए वो आपको इतने अच्छे से हील करेंगे ना मतलब सिर्फ उनका होना वही बहुत होता है आपके साथ में बिल्कुल जैसे आई माई फादर मतलब जल्दी जल्दी सब चले गए थे तो क्या होता है कि हस्बैंड जॉब पे चले गए हैं ही डिडेंट रिमेम्बर द डेट अब आपके फादर हैं आपके पेरेंट हैं तो आप डेट्स याद रखोगे अपने आप याद भी आ जाएंगे आपको बच्चे छोटे थे तो दे वेंट टू स्कूल आई होम तो मुझे ना बहुत रोना आया कि मेरा ऐसा बुरा दिन है और कोई साथ नहीं है तो आई स्टार्ट क्राइंग बैडली तो ब्रूनो केम टू मी और वो ऐसे पंजे मारता था बहुत निकम्मा था वो ऐसे पंजे मारता था तो और दैट डे, कान नीचे गिरे हुए हैं आंखें यहाँ से गीली है उसकी बहुत सुंदर आंखें थी उसकी वो यहाँ से आखे गिल और उसने मुझे हक किया और वो इतना कमीना कुत्ता था <laughs> जो कि हक करना जानता नहीं था बट दैट डे ही हक मी तो वो आज तक मुझे वो टच फील है उसका आज तक याद है मुझे तो वो एक मोमेंट होता है ना हाँ। वो आप फील कर सकते हो बताने में, में भी किसी को ये कुछ भी लग सकता है बट वो जो मैंने फील किया ना वो अनएक्सप्लेनेबल है बहुत मुश्किल है उसको एक्सप्लेन करना हाँ। बट ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत सहारा देती है लाइफ में बिल्कुल ना अच्छा आप टैरो भी करते हो हाँ टैरो तो बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि टैरो मुझे लगता है कि एक किताब है सेवेंटी you एट know, पन्नों का एक किताब है जो कि आपकी जिंदगी की शुरुआत से लेकर के आपकी जिंदगी की पूरी जर्नी को इन ब्यूटिफुल पेजेस में लेके आती है अच्छा जैसे सुमा हम टेरो की बात करते तो टेरो में आ, किस तरह के क्वेश्चन का रिप्लाई मिलता है जैसे एस्ट्रोलॉजी डिफरेंट रहता है एस्ट्रोलॉजी में आपको बता भी दे डेट्स भी बता देंगे जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं वो डेट भी बता देंगे कि इस इस डेट तक आपका ये चल रहा है इस इस डेट तक ऐसा टैरो में क्या होता है कि इंस्टेंट वाले क्वेश्चंस का रिप्लाई मिलता है ज्यादातर क्योंकि टैरो ना डिफरेंट है एस्ट्रोलॉजी से इसीलिए क्योंकि एस्ट्रोलॉजी आपकी प्लानिटरी सिचुएशन जैसे है उसके हिसाब से उनकी इम्पैक्ट आपके लाइफ पे क्या हो रहा है उसके बेसिस पे आंसर करता है टैरो बहुत इंटरनल है टैरो आपकी सबकॉन्शियस माइंड को रीड करती है आपके दिमाग में क्या चल रहा है कहा जाता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ना सिर्फ इस लाइफ टाइम बट आपके सारी लाइफ टाइम की सारी सीक्रेट्स एंड सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करती है एक बहुत बड़ा सुपर कंप्यूटर है आपका सबकॉन्शियस माइंड तो उस माइंड में से अगर इन्फॉर्मेशन हमारे कॉन्शियस माइंड में आ जाए तो इंसान पागल हो जाए तो इसीलिए हमेशा फिल्ट फिल्टर करके ही वो कॉन्शियस माइंड में आती है ज्यादातर इन्फॉर्मेशन जैसे नाइन्टी परसेंट इन्फॉर्मेशन आप मान के चलो आइसबर्ग के नीचे ही रह जाता है वो जो कि सबकॉन्शियस माइंड है तो जब आपको लगता है कि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है एक गाइडेंस चाहिए एक दिशा चाहिए तब जब कार्ड्स आप पढ़ते हो तो आपके माइंड के साथ वो कनेक्ट करके उस एनर्जी से एक्सट्रैक्ट करती है इन्फॉर्मेशन तो बहुत आगे तक का अगर आप क्वेश्चन पूछोगे तो वो शायद इतना एक्यूरेट नहीं होगा क्योंकि आपकी खुद की दिमाग जो है आगे तक नहीं सोचती है इसीलिए जितना रिसंसी पूछोगे और अगर आप खुद पूछोगे तो आपकी खुद की एनर्जीज यूज हो रही है तो बहुत ही एक्यूरेट उसमें रीडिंग आती है कितनी प्योरिटी होनी चाहिए इंसान में चीजों को लेके कि आपका माइंड क्लियर देखो वही डाटा तभी सेव होगा तब आपका mind खाली होगा ब्लैंक होगा तो वो और प्योरिटी कितनी होगी कि फाइल्स इधर उधर के रेज भराना पड़ा हो वो सब चीजें उसके लिए उस हिसाब से इजाज़ की तो प्योरिटी तो खैर उसका कोई लेवल होता नहीं है प्योर इज प्योर इम्प्योर इज इम्प्योर कम ज्यादा होता नहीं है उसका ज्यादातर काम करता है आपके थॉट्स के ऊपर अगर आपका थॉट पॉजिटिव है या एक स्पेसिफिक फोकस में जा रहा है जहां भी आपका थॉट फोकस करता है वहीं पे उसी डायरेक्शन में आपका इंटेंशन फ्लो करता है और उसी डायरेक्शन में एवरी एनर्जी इज फ्लोइंग सो व्हाट आर यू प्रैक्टिसिंग आपकी प्योरिटी उस पर डिपेंड करेगा कि क्या आप प्रैक्टिस कर रहे हो आर यू प्रैक्टिसिंग नेगेटिव थाट्स आपकी हर बारी क्या क्रिबिंग माइंडसेट रहती है क्या विक्टिम माइंडसेट सेट रहती है क्या आपकी जिंदगी के बारे में आप हमेशा कंप्लेन कर रहे हो कि ये अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं है काश वो होता उसका ज्यादा अच्छा है मेरा अच्छा नहीं है कम्पेरिजन कर रहे हो तो अगर आप ये कंपेरिजन कर रहे हो ये आपकी प्रैक्टिस है तो आप इस प्रैक्टिस में बहुत अच्छे बन जाओगे और आपकी जिंदगी सच में बहुत ही पार्टन मैं लैंग्वेज झंड हो सकती है <laughs> <laughs> क्योंकि आप हमेशा कंपैरिजन ला रहे हो अब वही चीज पे फोकस जाएगी वही दिशा में आपकी एनर्जी जाएगी सो वट एवर यूर प्रैक्टिसिंग यूल गेट वेरी गुड एट दैट लेकिन अगर आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो कि ऐसा क्या करने से मेरी जिंदगी यहाँ से यहाँ आ सकती है ऐसा क्या करने से मैं इस लेवल से वहां तक पहुंच सकती हूँ आंसर आपको भले ही अभी नहीं आए आपको हो सकता है कि आंसर अभी पता ना हो लेकिन अगर आप ये क्वेश्चन भी छोड़ देते हो ना यूनिवर्स को पूछ करके आप देखना नेचुरली आपका ब्रेन उस क्वेश्चन को ढूंढने में अपने एनर्जी फोकस करेगा बिकॉज आपका ध्यान इम्प्रोवाइजेशन पे है एम्पावरमेंट पे है पॉजिटिविटी पे है तो अगर आप वो चीज प्रैक्टिस करते हो देन स्लोली आप उस चीज पे बेटर होने लगोगे ये आप देखना जैसे अगर मैं बार बार सोचूंगी की ऐसा क्या करने से मेरा बिजनेस जो है वो एक्सपैंड कर जाए और एक्स नंबर ऑफ टर्न मेरा साल का हो जाए मेरे पास शायद उसका आंसर अभी नहीं है लेकिन मेरा ब्रेन क्या करेगा उसकी आदत क्या है वॉट इज द फंक्शन ऑफ द ब्रेन जस्ट टू गिव यू लिटिल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन द ब्रेन का फंक्शन इज टू कीप यू सेफ वो आपको हर तरीके से चाहेगी कि आप सेफ रहो तो अगर उसको आंसर पता है तो वो सेफ रहेगा नहीं तो अनसेफ रहेगा क्योंकि उसको आंसर पता नहीं है तो अगर आपने क्वेश्चन पूछ करके छोड़ दिया और उसको आंसर पता नहीं कि एक्स नंबर ऑफ टर्नओवर कैसे आएगी वो कायनात में ढूंढ लेगा इधर उधर तो तबाही मचा देगा कि आंसर आपको कहीं से लेके आए जब तक वो लेके नहीं आएगा तब तक वो सेफ महसूस नहीं करेगा सो वेन इट इज गेटिंग इन टू द सर्च मोड द क्वेश्चन मोड उससे आपकी जो है वाइब्रेशन चेंज होती है और जब तक आपको वो टर्न ओवर नहीं आएगा तब तक आप काम करते रहोगे तो क्या हो रहा है आप इन द प्रोसेस खुद ही एक एम्पावरमेंट के रास्ते में आओगे तो ऑटोमेटिक आपकी एनर्जी प्योरीफाई होती जाएगी तो ये एक प्रोसेस है प्योरिटी एक प्रोसेस है जो कि आपके थॉट आपके संकल्प से आती है और वो आपके एक्शंस में दिखता है जैसे आ, आपने कार्ड के सेट रखे हुए हैं जी तो ये अलग अलग टाइप के ये टेरो कार्ड है मुझे समझ में आते है, ये कौन से कार्ड है इनको हम ऑरकल कार्ड कहते हैं okay. कार्ड के भी बहुत सारे टाइप होते हैं hmm. टेरो कार्ड होता है एंजल कार्ड होता है ओरकल कार्ड होते hmm. हैं नेचर में बहुत सारी हमारे पास अबंडेंस ऑफ एलिमेंट्स हैं बहुत सारी एलिमेंट जैसे चांद हो गया सूरज हो गए एंजल्स हो गए अलग अलग एलिमेंट्स ऑफ नेचर के अंदर में एनर्जी होती है आप जब भी भी कुछ गाइडेंस लेते हो आप किसी भी एनर्जी से किसी भी नेचुरल एलिमेंट से गाइडेंस ले सकते हो पेड़ों से गाइडेंस ले सकते हो एसेंशियल ऑयल्स से गाइडेंस ले सकते हो आप एनिमल्स से गाइडेंस ले सकते हो क्रिस्टल से गाइडेंस ले सकते हो चंद्रमा से गाइडेंस ले सकते हो आप बेसिकली उन चीजों की एनर्जी के साथ कनेक्ट करके अपनी एनर्जी को उनके साथ कनेक्ट करके उनसे आप गाइडेंस लेते हो तो ये जो कार्ड है इसको कहते हैं औरक्कल कार्ड मेरे पास एक स्पेसिफिक कार्ड है जो कि मून की एनर्जीज लेती है ये मूनोलॉजी कार्ड है ये मेरा बहुत फेवरेट है तो मून uh, क्योंकि हमारी इमोशंस को गवर्न करती है और ज्यादातर हम तो डेफिनेटली बहुत इमोशनल होते हैं तो अगर आपका कोई भी इमोशनल कार्ड या कोई भी इमोशन में आप अटके हुए हो और जिंदगी में किसी भी फेज पे आपको कोई स्पेसिफिक गाइडेंस चाहिए वो इमोशनली हम उसके साथ कनेक्टेड हो जाते हैं जब हमको गाइडेंस चाहिए होता है इसीलिए ये कार्ड्स आपको उस हिसाब से गाइडेंस देती है कि आपको अगला क्या करना चाहिए या क्या करेंट सिचुएशन है तो टैरो जो डेक होता है इसमें फिक्स नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं सेवेंटी एट ही मिलेंगे आपको इसमें बहुत सारे डिफरेंट वराइटीज ऑफ कार्ड्स होते हैं कभी फोर्टी फोर कार्ड्स का डेक होता है कोई फोर्टी फाइव होता है कभी सिक्सटी फोर होता है कभी हंड्रेड टू हंड्रेड पेजेस के भी डेक्स हो सकते हैं ऑथर ने जिस हिसाब से मैसेजेस चैनल किए होंगे जिस भी नेचुरल एलिमेंट से उसके हिसाब से ये कार्ड्स होते हैं तो टेरो कार्ड कैन बी प्रेडिक्टिव इन नेचर एज वेल एज गाइडेंस ओरिएंटेड दिस इज मेनली गाइडेंस ओरिएंटेड अच्छा यहाँ पे भी फिर मैं सवाल कर सकती हाँ प्रेडिक्शन शायद ना करे आपको ये जरूर आपको बहुत अच्छे से गाइडेंस देखें मेरे मनी ब्लॉकेजेस कैसे खुलेंगे उसका बताओ सी पहली बात है मनी एक टूल है एक जरिया है ये आप बिलीव करें आपका जो रिश्ता है पैसे के साथ वो एनर्जेटिक है मनी एक जो हम नोट देखते हैं वो तो फिजिकल फॉर्म में आ गया बट एक्चुअल हमारा जो मनी के साथ संपर्क है दैट इज वेरी एनर्जेटिक तो एनर्जी कैसे होती है थॉट्स संकल्प से द मोमेंट आप अपना थॉट्स मनी के तरफ चेंज करेंगे वो धीरे धीरे आपके साथ उसका रिश्ता चेंज होता जाएगा तो कार्ड्स के हिसाब से जो सजेशन आ रही है पहली बात यह है कि मनी को आप मान के चलो आपका कोई बॉयफ्रेंड हो गया या ऐसा कोई जिसको जिसके साथ आपका बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशन हो तो उसके साथ आप कैसे ट्रीट करोगे जैसे आप उस चीज को ट्रीट करोगे वैसे ही वो चीज आपको ट्रीट करेगी तो बिलीव दैट आप एक वर्दी इंसान हो जैसे आप अपने आप को देखना चाहते हो वैसे ही आपको मनी देखेगी तो पहली बात तो अपने ऊपर बिलीव लाओ और जब आप अपने ऊपर वर्थ लाओगे बिलीव लाओगे कुछ एफर्मेशन बोल करके लाइक आई एम वर्दी ऑफ मनी मनी इज कमिंग टू मी इजिल आई एम मनी मैगनेट आई एम अ मनी मैग्नेट ऐसे अगर आप इंटरेस्टिंग एफर्मेशन रिपीट करते जाओगे धीरे धीरे आपका माइंड भी रीप्रोग्राम होते जाएगा आपकी बिलीफ सिस्टम बढ़ेगी सो एवरीथिंग इज अबाउट बिलीविंग दैट येस आई एम केपेबल ऑफ अर्निंग दैट काइंड ऑफ मनी विच मेक्स मी नॉट जस्ट बाई एवरीथिंग दैट आई वॉन्ट टू बाय बट इवन मोर देन वॉट आई नीड इन माई लाइफ तो वो जब आएगा तब आप देखना कि धीरे धीरे आपकी लाइफ में मनी एनर्जीज धीरे धीरे बंडेंस में बढ़ती जाएगी बस ये बिलीव करना है मेनली आपका कार्ड यही बता रहा है आपका कार्ड ये भी बता रहा है कि अगर आपका बाई चांस अभी कोई साइकिल चल रहा हो जिसमें फाइनेंशियली आपको लग रहा है कि थोड़ा सा कंस्ट्रेंट है वो अब बहुत जल्दी ये चेंज होने वाला है इनफैक्ट ये मंथ एंड के साथ साथ ही ये चेंज होने वाला है बस आपको अपने ऊपर बिलीव को मेंटेन करके रखना है और ये पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो पॉजिटिव रखनी ही है टुवर्ड्स मनी उससे काफी चेंज आ आ ये मेरी गलती है मैं मैं एक्चुअली आई हैव नेवर गिव प्रेफरेंस टू मनी नेवर इन माई लाइफ कि आ गया तो बहुत अच्छा है नहीं आया तो भी इट्स ओके okay. अब मुझे ये पता है मेरा कोई काम रुकता नहीं है मतलब वो चीज मैंने अपने माइंड में कर रखी है सेट कि मेरा कोई काम पैसे पे कभी नहीं रुका है और वो टचवोर्ड कभी रुका भी नहीं है तो और लेकिन मैंने कभी मांगा भी नहीं कि आई नीड मोर 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 अब मुझे लगने लगा इस एज पे आके मे भी अब तक चल रहा था दौड़ रहा था भाग रहा था जो भी हो रहा था बट अभी मुझे अपने लिए चाहने लगी हूं मैं कि अब तक मैं आई एम लिविंग माई लाइफ फॉर माई किड्स नाउ आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ नी फॉर माई सेल्फ तो मुझे फिर कहीं ये लगता है मुझे चाहिए तो चाहिए बस अभी तक आपका बिलीफ अबाउट मनी की मनी कभी रुकता नहीं है जो कि अच्छा है इट्स अ गुड पॉजिटिव affirmation कि आप ये बोल रहे हो कि मनी कभी रुकता नहीं है तो शायद कभी रुका नहीं है लेकिन आपको अगर अपने लिए पैसे चाहिए तो आप क्वेश्चन पे छोड़ो कभी एक ये डाउट मत रखो कि मनी मेरे पास आएगा या नहीं आएगा जब भी नहीं आ रहे हो बोल रहे हो ना तो वहीं पे आप, आप अपना फुल स्टॉप लगा, लगा रहे हो स्टॉप लगा रहे हो जब भी आप क्वेश्चन करोगे कि ऐसा क्या हो हाउ वुड वॉट वुड इट टेक फॉर मी टू अर्न अबंडस ऑफ मनी इतना कि मैं खर्च करने के बाद थक जाऊं फिर भी मेरे पास इतना पैसा हो कि मुझे समझ ही ना आए कि मैं खर्च कैसे करूं ऐसा क्या हो मेरे साथ कि मेरे पास ऐसा सिचुएशन हो जिसका आंसर आपको पता नहीं ये की है आपको आंसर पता नहीं होना चाहिए क्योंकि जब भी आपके पास आंसर पता हो गया बस आपका ब्रेन सेफ हो गया उसके बाद वहीं उसका फुल स्टॉप लग गया ऐसा कुछ क्वेश्चन अपने दिमाग में लाओ कि ऐसा क्या हो कि जिससे इतना पैसा हो कि खर्च करने के बाद थकने के बाद भी मेरे पास बहुत सारा है और फिर आप छोड़ दो उस क्वेश्चन को यूनिवर्स में फिर आप बताओ so, मेरे को okay. कि आपका मनी क्वेश्चन क्वेश्चन चेंज होता है या नहीं होता आई स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस बिल्कुल क्वेश्चन करके छोड़ो आज पंद्रह बीस मिनट बैठ के मैंने यही सवाल करने करेक्ट करेक्ट हाउ हाउ विल इट चेंज हाउ विल माई मनी बिकम सो अबंडेंट और क्वेश्चन करके छोड़ दो उसका आंसर मत सोचो okay, फिर देखो क्या होता है सिंपल टिप ना अच्छा और क्या टिप देना चाहोगे व्यूअर्स को मनी के लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग बहुत सारी चीजें हो सकती है आप अपने आ, कोई भी एक एलिमेंट को मनी मैग्नेट में चेंज कर सकते हो okay. अपने बॉडी में कुछ भी आप लोग झुमके पहनते हैं हम रिंग्स पहनते हैं हम बॉडी के पास में कुछ भी चीज है आपका अगर जो पहना हुआ बैंगल्स हुँ। पहनते हुँ। हैं आ, मेल अगर हैं तो मेल तो रिंग्स पहनते ही हाँ, है, ये है।, है कुछ भी ब्रेसलेट्स पहनते हैं कुछ भी अपने इस शरीर के साथ जो है उसको आप मनी मैग्नेट पे कैसे चेंज कर सकते हो उसको लो जैसे मैंने ये रिंग ले लिया अपना रिंग लेने के बाद मैं हाथ में लेके इसके साथ मनी की एनर्जीज को जोड़ो लेके बोलो दैट ये रिंग जो है मैं जब तक इसको पहन के रखू ये मेरे लिए अब ऑफ मनी दे रही है दैट्स इट ये आपको खाली बोलना है और बिलीव करना है और अपने दिमाग में अगर थोड़ा सा स्पेसिफिसिटी है कोई एक स्पेसिफिक अमाउंट आप ले लो और एक टाइमलाइन दे दो ताकि आपको बिलीव हो कि ये पैसा मेरा इस टाइम तक आ गया तो लेट्स से आपने बोला कि एक महीने के अंदर अंदर मुझे एक लाख रुपए कमाने हैं तो एक लाख रुपए मेरे पास एक लाख एक महीने में आ रहा है मुझे नहीं पता कैसे आ रहा है बट आ रहा है और मैं इस बात के लिए बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पास एक महीने में एक लाख रुपए साथ के साथ ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो और फिर उसके साथ साथ इस चीज को विजुअलाइज करो और फील करो अपने सेंसर्स को यूज करना बहुत जरूरी है क्योंकि आपकी बॉडी का रिसेप्शन एरिया यही है ये रिसेप्टर्स हैं एनर्जी को खींचती है सिर्फ ये एरिया तो ये देखो कि वो एक लाख रुपए जब आ गए अभी आए तो आप क्या कर रहे हो उससे और उससे आपको फीलिंग कैसा आ रहा है क्या महसूस हो रहा है किस किस को जाके ट्रीट दे रहे हो किस किस को जाके खबर बोल रहे हो कि ये मैंने किया और मेरे साथ ये हुआ तो जब आप उस सिचुएशन को अपनी सारी सेंसेस यूज करके विजुलाइज कर रहे हो सुन रहे हो महसूस कर रहे हो तब वो चीज आपके रियालिटी में थ्री में कन्वर्ट हो रहा है अलॉट लाइक like बनाना मूवी बनाने के जैसे हो रहा है कि आपने सच में वो रियालिटी अपनी क्रिएट की हम सारे क्रिएटर्स हैं अपनी जिंदगी में को क्रिएटर्स हैं भगवान ने क्रिएट किया हम अपनी जिंदगी की स्टोरी खुद लिख रहे हैं को क्रिएट कर रहे हैं तो ये वाली रियलिटी जब आप को क्रिएट कर करके इसको अपने हाथ में रख देते हो ये रिंग आपका मनी मैग्नेट का एक एंकर बन जाता है एवरी टाइम आप ये रिंग को देखोगे आपको याद रहेगा कि हाँ मुझे पैसे कमाने एक लाख रुपए लाने हैं ये नहीं कि बस बोल के छोड़ दो और कुछ ना करो नहीं नहीं वो तो करना ही पड़ेगा आपको यू हैव टू वर्क मेकिंग दैट गोल रास्ते मिलते चले जाएंगे करेक्ट ये बात होगी कि अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी ऐसा ऐसे कुछ होगा कि आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे और उस टाइम पे अगर रास्ते खुल रहे तो उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करो उस मौके का चौका मारो मौके पे उसका फायदा उठाओ एंड देन आप बताओ कि आपके पास नहीं आया तो फिर आप मेरे पास आना पक्का से आता है तो ऐसे मनी मैग्नेट्स आप बना सकते हो अपने वॉलेट्स में कुछ को आप ऐसे ही मनी मैग्नेट्स बना के रख सकते okay. हो कि वॉलेट हमेशा भरी रहे मनी वाइज ना मेरा माइंड खुल रहा है लिटरली खुल रहा है मतलब पहले नहीं था अब खुलना शुरू हो रखा है तो मुझे ये लगता है कि वो ना लॉन्गर रन में वो अच्छा रहेगा अच्छा ये रेक्कल कार्ड जो देखते हो आप ये कैमरा वाली बात नहीं वैसे पूछ रही हूँ कि ये आपके गाइड की, गाइडिंग के लिए दिस इज मोर ऑन गाइडेंस कि जैसे आपको प्रडिक्शन नहीं चाहिए आप कैमरा ऑन करके रख लो हाँ? अगर ठीक है।, है तो जैसे आपको प्रडिकटिव चीजें बहुत लोग क्या होता है ना उस उसपे बिलीव हो नहीं हो हो नहीं पता नहीं हमें हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता लेकिन अगर गाइडेंस मिलती है इतना like किसी गुरु के पास आप गए हो या किसी फ्रेंड के पास आप नॉर्मली गए हो और अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हो तो उनकी तरफ से कभी एक इन, इतना अच्छा गाइडेंस मिल जाता है कि आपको आइडियाज आ जाती है कि अरे हाँ मैंने सोचा ही नहीं कभी नहीं। इसके पहले तो ऑरकल कार्ड्स ऐसे नेचुरल एनर्जीज को यूज करके आपको बहुत अच्छे गाइडेंस देती है इनफैक्ट बहुत प्रोत्साहन भी देती है एम्पावरमेंट भी देती है कि आप क्या क्या कर सकते हो डिटेल में आइडिया वाइज भी देते हैं कि आपके अंदर की वैल्यूज क्या हैं और बहुत बारी ऐसा होता है ना कि हमारे अंदर की जो नेगेटिव चीजें हैं उसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि हम सोचते रहते हैं कि आई एम नॉट गुड इनफ एंड आई माइट नॉट बी एबल टू डू इट तो कॉन्फिडेंस हमने खुद ने ही अपना हम मार लेते हैं गड़बड़ कर हाँ गड़बड़ कर देते हैं बट ये क्या करती है ना आपको वैसे कुछ वैल्यूज बताती है uh, कुछ ऐसे इंसिडेंट याद दिलाती है इंसिडेंट्स जिस में आपकी सक्सेस स्टोरी हुई हो या जो आपने बहुत अच्छा कुछ काम किया हो तो इट विल रिमाइंड यू कि वो क्या वैल्यूज थी तब जिसने आपको उतना सक्सेस दिया तो जब आप पॉजिटिव वैल्यूज को अपने अंदर में इम्ब्रेस करते हो तो नेचुरली आपके आइडियाज आते हैं क्योंकि आपकी एनर्जी फील्ड खुल जाती है ब्रॉडन हो जाती है तो इट गिव्स यू दो इंटरेस्टिंग आइडियाज और कई बार तो जो चैनल कर रहा है मैसेज जो रीडर है आपके वो खुद ही आपको स्पेसिफिक गाइडेंस देते हैं कि ये चीज करो क्योंकि दे आर एबल टू रिलेट टू योर स्पेसिफिक लाइफ या आपको थोड़ा बहुत भी जान गए आपका सिचुएशन थोड़ा बहुत भी जान गए तो आपको स्पेसिफिकली आपके सिचुएशन के बेसिस पे वो करके बताते हैं कि ये करो बेस्ड ऑन वट एवर द कार्ड दे आर रीडिंग तो उससे बहुत आइडियाज आती हैं कि ये करो बेसिकली आपके रास्ते खोलते हैं मेन बात यही है कि आपको हाँ, आते आप रास्ते खोलते हैं, हैं एम्पावरमेंट देते हैं यू विल फील अ लॉट मोर लाइक सेन क्लियर इन योर हेड कि हाँ मतलब ये दिमाग में ना ये घूम रहा था कि ये करूँ या नहीं करूँ लेकिन ये सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि अब मुझे क्लियर डायरेक्शन मिल गया कि हाँ मैं ये करने का सोच रहा था ये सोच रही थी हाँ बट अब मुझे लग रहा है कि ये करने से मेरे को फायदा होगा तो चैन मिलती है रिलीफ मिलता है और एक बहुत बड़ा क्लैरिटी मिलता है दिमाग में तो क्लैरिटी से तो फिर ईजी हो ही जाती है चीजें ना अच्छा सोमा हम चक्रास के बारे में जनरली बात करते हैं सेवन चक्रास होते हैं तो कैसे कैसे क्या क्या होता है उनको कैसे हील करते हैं कैसे पता चलता है आपका ये चक्रा डैमेज है या खराब है वो कैसे पता चलता है एक्चुअली चक्रास ना हम तो जानते हैं सेवन चक्रास हैं लेकिन हाँ। हैं तो बहुत सारे चक्रास हमारी बॉडी में हमारे हाथ भी एक चक्रा है बहुत सारे मिनी माइक्रो सारे टाइप के चक्रास हमारे पूरे बॉडी में है चक्राज होते क्या है पहली बात तो ये है कि एक एनर्जी वॉटेक्स है चक्रा द वर्ड चक्रा मतलब व्हील जिसको कहते हैं तो एक एनर्जी वोटेक्स है जो कि सारा टाइम ना हमारे शरीर में स्पिन करती जा रही है कभी क्लॉकवाइज घूम रहा है कभी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ज्यादातर टाइम नॉर्दर्न हेमोस्फेयर के जितने भी लोग हैं तो उनकी बॉडी में अगर जब एंटी क्लॉकवाइज स्पिन हो रहा है चक्रा तो कुछ रिलीज कर रहा है बाहर और जब क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वो कुछ एम्पावर कर रहा है कुछ ले रहा है रिसीव कर रहा है हमेशा सो so, दोनों ही डायरेक्शंस में चक्रास घूमते हैं डिपेंडिंग ऑन आप क्या सोच रहे हो और आपकी एनर्जी सिस्टम कैसी है तो चक्रास ना एक ऐसी एनर्जी सिस्टम है अपनी बॉडी का जो आपकी बहुत सारी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को गवर्न करती है ऐसे बहुत सारे एनर्जी सिस्टम है हमारे बॉडी में मरीडियंस हैं और है एक लेडी है डोना एडन करके <laughs> आ, उन्होंने तो आ, कुछ नौ तरीके के एनर्जी सिस्टम्स के बारे में बता रखा है क्योंकि वो क्लेयर व्वाइंट है तो उनको बहुत सारी एनर्जी सिस्टम्स दिखती हैं तो वो चक्रा देख पाती हैं एंड और आ, को देख पाती हैं एंड उसके हिसाब से वो चेंजेस कर पाती है तो चक्रा इज वाई इट इज सो फेमस क्योंकि ये हमारे बहुत सारे एस्पेक्ट्स को गवर्न करती है और सात चक्रा हम क्यों बोलते हैं क्योंकि ये जो सात पॉइंट्स है हमारी बॉडी में ये दे आर लाइक जंक्शन स्टेशंस तो आपने अगर मेन मेन जंक्शन स्टेशन जैसे होता है कि बहुत सारे अलग छोटे छोटे चक्रास के साथ ही कनेक्टेड होता है एंड और के साथ कनेक्टेड होता है मेरिडियंस के साथ कनेक्टेड होते हैं तो अलग अलग एनर्जी सिस्टम्स के साथ हमारी चक्रा जुड़े हुए हैं तो अगर चक्रा में आप बदलाव ला सकते हो या उसमें कोई चेंजेस ला सकते हो तो बाकी सारी चीज सिस्टम में भी आप चेंज ला सकते हो इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट है पहले तो एंड uh, आपको जिस हिसाब में लाइफ में किसी भी एस्पेक्ट में अगर आपको प्रॉब्लम्स दिख रही हैं या कुछ इश्यूज दिख रहे हैं तो देखना उसी चक्रा में आपके ब्लॉकेजेस होंगे सो फॉर एग्जांपल अगर आपको लग रहा है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रही हैं आपको डेट बहुत ज्यादा है या कहीं से पैसे आते आते रुक रहे हैं या उधारी आपने दिया है लेकिन वो पैसा वापस नहीं आ रहा है या फिर कोई भी मटेरियलिस्टिक चीजों में आपको प्रॉब्लम हो रहा है घर नहीं बन रहा है लॉ कोर्ट केसेस चल रही हैं या गाड़ी खरीदने को मन तो है लेकिन गाड़ी खरीद नहीं पा रहे हो कोई भी मटेरियलिस्टिक चीजों में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पक्का से आपका रूट चक्रा में कोई ना कोई इम्बेलेंस या ब्लॉकेज होगा ही होगा क्योंकि रूट चक्रा इज कनेक्टेड टू योर सर्वाइवल आपकी जो सेफ्टी है सिक्योरिटी है आपके होने का आपके वजूद का जो एग्जिस्टेंस का रीजन है वो आपका रूट चक्रा गवर्न करते हैं तो अगर आपके एग्जिस्टेंस आपको यहाँ पे रहने के लिए इस प्लानट में रहने के लिए क्या क्या चाहिए रोटी कपड़ा मकान पैसा फूड वाटर रेस्ट ऑल दीज थिंग्स जो बेसिक रिक्वायरमेंट है इसमें अगर आपको कहीं भी कोई रुकावट आती है तो आपको पता चल जाएगा कि आपका रूट चक्रा ब्लॉक्ड है तो जब आपका रूट चक्रा ब्लॉक्ड है तो उसको उसकी जो एनर्जीज है जो कोई भी हीलर है जब उसको खोल देते हैं तो आप देखोगे कि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रक्चराइज ऑर्गेनाइज फील हो रहा है आप कुछ भी चीज स्ट्रक्चर्ड करके ऑर्गेनाइज करके चल रहे हो अपनी बॉडी का ख्याल रख रहे हो एक्सरसाइजेस कर रहे हो जिम जा रहे हो योगा कर रहे हो अपनी बॉडी का ख्याल रख रहे हो क्योंकि ये आपका टेम्पल है तो आप बॉडी का ख्याल रख रहे हो आप देखोगे कि धीरे धीरे आपकी मनी ब्लॉकेजेस या प्रॉब्लम्स दूर होती जा रही है डर दूर होती है लाइफ में करेज लाते हो आप अपने एग्जिस्टेंस का अपने होने का एक पर्पज ढूंढते हो रोज सुबह बिस्तर से उठने का एक रीजन होगा आपके पास तब आपको पता चलेगा कि हाँ मेरा रूट चक्रा बैलेंस हो रहा है ऐसे ही जिंदगी में अगर लेट्स से आ, सेल्फ लव का प्रॉब्लम है लाइक आप हमेशा दूसरों को प्रायोरिटी देते हो कभी भी हम स्पेशली विमेन के साथ तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एक बार मम्मी बन गए या शादी हो गई तो बच्चे पति इन इनलॉज इन्हीं में हम फंसे रहते हैं या जॉब में फंसे रहते हैं और उसमें भी बॉस की ये ना हर चीज में हम दूसरों को ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं कभी भी अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं सो वेन वी आर ऑलवेज क्रिटिकल ऑफ आर सेल्स और दूसरे आपको क्या बोल रहे हैं उसको ज्यादा महत्व देते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि हमारा सेक्रल चक्र जो कि सेकेंड चक्रा होती है हमारे नेवल के आसपास में होता है उसमें डेफिनेटली कोई ना कोई इम्बेलेंस है क्योंकि उस एरिया में दैट गवर्न द एलिमेंट ऑफ वाटर तो वाटर हमारे इमोशंस के साथ डील करती है और क्योंकि हम फेमिनिन हैं तो हमारी क्रिएटिविटी को भी ये गवर्न करती है और बेस ऑफ आर क्रिएटिविटी यहाँ पे क्योंकि यहीं से हमारी लाइफ फॉर्म क्रिएट होती है तो जब लाइफ फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं हम तो उसका रूट यहाँ पे है हमारी तो कुछ भी क्रिएटिविटी लेकर के अगर हमारा प्रॉब्लम है या जिंदगी में प्यार अपने आप को जुड़े हुए कुछ भी स्व क्योंकि स्वादिष्ठान चक्रा है ये तो स्व को लेकर के कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो आपका सिकल चक्र इम्बेलेंस्ड है तो जब इसको हम ठीक करते हैं तो आप देखोगे कि जिंदगी में पहली बात तो आप खुश रहोगे कैसे भी हो आप अपने आप को एक्सेप्ट करोगे आपके शेडो साइड को भी आप एक्सेप्ट करोगे आपके सन साइड को भी आप एक्सेप्ट करोगे आप खुश रहोगे और दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहोगे इंडिपेंडेंट रहोगे कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है खुद से ना एक कम्प्लीशन वाली फीलिंग आएगी जैसे अक्षत बोलते हैं ना जो कम्पलीट ग्रीन ग्रीन वैसी वाली फीलिंग आएगी कि मैं कम्पलीट हूं मैं इनफ हूं एंड उसके ऊपर से मुझे कुछ भी मिल रहा है आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट ये वाली फीलिंग आएगी और बिकॉज आप खुद से एनर्जाइज रहोगे आप दूसरों को भी वो खुशी दे पाओगे आप देखोगे हमेशा एक रेडियंस आएगी आपको लोग आपके साथ हैंग आउट करना पसंद करेंगे आपके पास आएंगे आप उनके आग्नि आंट बनोगे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की आपकी इच्छा रहेगी दिस इज हाउल इनकी सिकरल चक्र बैलेंस्ड है अब फिर आता है सोलर प्लेक्सेस जिसको हम कहते हैं हमारा गट फील हमारा कोर हमारी जो ईगो पर्सनैलिटी इंट्यूशन सब कुछ यहाँ पे बैठती है ये आप पर्सनैलिटी को फॉर्म करती है तो कभी इसमें अगर इम्बैलेंसेस है तो आपकी लीडरशिप में प्रॉब्लम आएगा कॉन्फिडेंस में प्रॉब्लम आएगा करियर में प्रॉब्लम आएगा डिसीशन मेकिंग में प्रॉब्लम आएगा दूसरे क्या कहते हैं आपको क्रिटिकली आप उसको लोगे क्रिटिसिज्म से आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाओगे आप मतलब आप फ्रस्ट्रेटेड ज्यादा हो जाओगे एंगर भी आएगा आपको कभी कभार तो कभी जब इसको हम लोग बैलेंस करना चाहेंगे तो जब ये बैलेंस हो जाता है आप देखोगे कि सन जैसे चारों तरफ अपनी ऊर्जा फैलाती है जब चारों तरफ एक वार्म फैलाती है पर्सनैलिटी बिल्कुल वैसा हो जाता है कॉन्फिडेंट बनोगे क्रिजमेटिक बनोगे हर किसी के साथ चल के मिल के काम करोगे एक लीडर लाइक like आपके अंदर में कैपेबिलिटी आएगी जैसे लियो होते हैं ना जैसे लायन होते हैं प्रोटेक्टिव होते हैं अपने क्लाइन के बारे में वैसे वाला एक एनर्जी आएगा आपके अंदर में जिनको लोगों को चाहिए होगा कि अरे मेरे को उसके साथ रहना है उसके जैसा बनना है तो आप एक लीडर बाय एग्जाम्पल बनोगे वैसा होता है जब आपका सोलर प्लेक्स बैलेंस्ड होता है हार्ट चक्रा तो इज ऑल अबाउट लव इट्स अबाउट योर रिलेशनशिप विद दी आउटसाइड वर्ल्ड मतलब जैसे सेक्रल चक्र में आप इन वर्ड सोचते हो आपका खुद के साथ आपका क्या रिलेशन है इसमें आप कितना लव को फैला रहे हो बाकी में तो अगर आपके रिलेशनशिप में जेलसी है बिटरनेस है झगड़े हैं फाइट्स हैं लव में कमी है कहीं भी तो आपका हार्ट चक्र में डेफिनेट प्रॉब्लम है और अगर आपके रिलेशनशिप्स अच्छे हैं किसी के साथ मतलब जनरली आप एक वार्म पर्सनैलिटी हो एक मदरली फीलिंग आती है किसी के साथ भी रह करके तो वो आपको पता होगा कि आपका हार्ट चक्रा बिल्कुल ठीक है सिमिलरली थ्रोट चक्रा थ्रोट चक्रा इज आपका जो कम्युनिकेशन है वॉइस बॉक्स यहाँ पे है तो जितना भी आपका एक्सप्रेशन है उसमें अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली तो जो झूठ बोलते हैं लोग जैसे वो तो उनका थ्रोट चक्रा में कोई प्रॉब्लम है जो अपने लिए खड़े नहीं हो सकते या कम्युनिकेट नहीं कर सकते या सप्रेस कर देते हैं हमेशा अपने इमोशंस उनके थ्रोट चक्रा डेफिनेटली इम्बेलेंस्ड है तो जिनका बैलेंस्ड है आप देखते ही पता चल जाएगा जैसे सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं hmm. या सिंगर्स हैं वोकलिस्ट हैं या पेंटर्स हैं आर्टिस्ट्स हैं जो भी क्रिएटिव फील्ड में हैं उनके थ्रोट चक्रा हमेशा स्ट्रेंथ होती है उनकी क्योंकि वो उनका एक्सप्रेशन सेंटर होता है तो दैट इज हाउ यू नो कि आपका थ्रोट चक्रा बैलेंस्ड है देन थर्ड आई चक्रा होता है कि आपका इंट्यूशन का स्पॉट है ये आपका जैसे एयरपोर्ट में एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाला सेंटर नहीं होता जो सब कुछ मॉनिटर कर रहा है hmm. आपके शरीर में क्या हो रहा है आपके माइंड में क्या चल रहा है आपके इमोशन में क्या चल रहा है ये आपका एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर है सब कुछ मॉनिटर करता है एंड uh, आगे का सोचता है तो आपके विजन आपका नॉलेज ये सब चीजें अगर आपकी अच्छी हैं आपको पता है क्लैरिटी ऑफ थॉट है तब तो आपको पता है कि आपका थर्ड आई चक्रा बिल्कुल बैलेंस्ड है अगर आपको बहुत कंफ्यूज लग रहा है बहुत ज्यादा डिलेमा लग रही है डिस्कनेक्टेड लग रहा है दुनिया से कि मुझे बिल्कुल किसी के साथ बातें नहीं करनी तो फिर आपको आपका इम्बेलेंसेस डेफिनेटली है यहाँ तक कि मेंटल इलनेसेज या मेंटल हेल्थ में अगर डाउन हो जाता है तो सबसे पहले इम्पैक्ट हमारे थर्ड आई में पड़ता है बिल्कुल और थर्ड आई पे इम्पैक्ट होने की वजह से आई थिंक सो कि आपका मेंटल हेल्थ है। बिल्कुल बिल्कुल वहाँ पे अगर ब्लॉकेजेस होने हाँ, लगती तो। है तो मेंटल हेल्थ आपको डाउन लगेगा फ्रस्ट्रेशन लगेगा ऐसा लगेगा कि दुनिया में किसी चीज के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं रखना है या फिर जो हीलर्स होते हैं या स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं उनके अंदर में स्पिरिचुअल ईगो आ जाती है उनको लगता है कि हम तो सब कुछ जानते हैं और ये तो <laughs> लाइक यू नो वो उनको लगता होगा कि आपको कुछ नहीं, पता कुछ नहीं पता और मुझे सब पता है और कुछ ज्यादा ही उस बारे में ईगो हो जाएगा एंड वो नीचा दिखाने लगेंगे लोगों वो खुद भी नीचे गिरेंगे खुद भी नीचे गिरेंगे पक्का गिरेंगे। तो मतलब इम्बेलेंस हो जाता है या फिर इम्बेलेंस होता है या फिर ओवर एक्टिव हो जाती है एनर्जी इतना ज्यादा हो जाता है कि उसमें एक संतुलन नहीं रहती है जिसकी वजह से ये सारी उसके जो रिएक्शन होते हैं ये दिखते हैं हमको बहुत एविडेंट होता है अच्छा इनको हील कैसे करा जा सकता है आम आम लोगों के लिए कैसे हील करते हैं हीलर की हेल्प के बिना भी कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं मेडिटेशन है कुछ सीड बीज मंत्रा जिसको कहते हैं आप वो कर सकते हो जैसे लम जो बीज मंत्रा होता है ये आपके रूट चक्रा के लिए ऐसे अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हैं हर एक चक्रा के लिए तो जब आप रिपीटेड ये बीज मंत्रा जब चांट करते हैं तो साउंड बॉक्स के आपके साउंड वाइब्रेशन की वजह से आपकी खुद की एनर्जी फील्ड में डिफरेंसेज आती है जिसकी वजह से नेचुरली हील बैलेंस और हील होने लगती है जैसे मान लो हम सेवन चक्रास को बैलेंस रखना है मुझे मालूम नहीं है कि मेरा कौन सा ठीक नहीं है लेकिन मुझे चाहिए कि सारे चक्रास मेरे बैलेंस रहे उसके लिए भी कोई अकेला एक मंत्र है जो मैं कर सकूं और मेरा सब बैलेंस रहे वैसे तो एक सिंगल मंत्रा भी ओम आप चांट करोगे ना okay. तीन बारी और अ उ म को तीन हिस्सों में इक्वली डिवाइड करके स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक बहुत डीपली चांट करोगे तो भी बहुत अच्छे से उसका फर्क पड़ता है बट अदरवाइज अगर आप इंडिविजुअल चक्रास के जो बीज मंत्रास okay. होते हैं लम वम रम हम यम तो ये सारे जो एंड देन ओम तो ये सारे जब अगर मंत्रास को रिपीटेडली चांट करोगे उससे बहुत हद तक बैलेंसिंग होती है आप बताओगे कि किसके लिए कौन से वाला है इस तरह से बताओ रूप चक्रा के लिए होता है लम देन सेक्रल चक्र जो आपका स्वादिष्ठान चक्र होता है उसके लिए होता है वम, फिर आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्र होता है उसके लिए होता है रम 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 जो प्रोनाउंस करने वाला रम है, है. वही है पीने वाला नहीं और फिर हार्ट चक्रा के लिए होता है यम यम यहाँ थ्रोट चक्र के लिए होता है हम हमिंग हम होता है और थर्ड आई के लिए होता है ओम ओम इज द साउंड ऑफ द यूनिवर्स आपके क्राउन चक्र के लिए कोई बीज मंत्र होना नहीं चाहिए बहुत सारे लोग अंग बोलते हैं लेकिन आइडियली इट इज देर इज नो साउंड आपका साउंड यही खत्म हो जाता है यूनिवर्स में सच ऐसा कोई साउंड नहीं है इट्स ओनली लाइट कि आप ये चक्रा आपका सिर्फ आपके डिवाइन के साथ आपको कनेक्ट करती है ब्लिस yeah. के साथ आपको कनेक्ट करती है तो इसका साउंड ऐसा सच नहीं होता है तो ओम तक बहुत हद तक आपकी सारी चक्रास काफी कंस्ड रहेंगे हैं। काम करेंगे एंड अगर आपको लगता है कि जो बिना एस्पेक्ट बताए उसमें कुछ कमी है जैसे पैसों की कमी है तो जो कर चक्रा का कलर है वो रेनबो कलर है बहुत इजी है विपग्योर वी यहां से चालू होता है विप ग्योर आर तक खत्म होता है रूट रूटचक्रा तक तो वो कलर्स आप ज्यादा कंज्यूम करेंगे अगर जिंदगी में तो ज्यादा अच्छा रहेगा जैसे रूट चक्रा का कलर रेड है तो अगर आपको मनी इंक्रीज करनी है आपकी लाइफ में तो रेड की इनटेक बढ़ाइए जैसे आप अपने रेड बिंदी पहना है बहुत अच्छे लग रहे हो तो रेड आपने गाजर खा लिए रेड के रेड अनार, तो अनार खा लिए या रेड कपड़े पहन लिए या रेड का कोई क्लॉथ अपने अपने वॉलेट में रख लिया रेड को इनटेक ज्यादा कीजिए अगर सेल्फ लव का आपको बढ़ाना है तो आप ऑरेंज का कंजम्पशन ज्यादा कीजिए ऑरेंजेस खाओ ऑरेंज चीजें बढ़ाओ अपने कुछ डेकोरेशन पीस रखो ऐसे मतलब आपका डेस्क है वहाँ पे आपने कोई ऑरेंज चीज रख ली कर हाँ। तो ऐसे कलर पेन ऑरेंज ले लिया जिसको जो पेन आपका कवर है उसका ऑरेंज ले लिया कि वो टच में रहता है बिल्कुल तो कलर्स के थ्रू भी आप कर सकते हो ये हाँ, आपने बताया ऑरेंज किसके लिए बताया आपने हार्ट चक्र के लिए स्वादिष्ठान स्वादिष्ठान के लिए फिर उसके बाद उसके बाद येलो है येलो येलो इज फॉर योर सोलर प्लेक्स चक्रोके यहाँ पे ग्रीन है हार्ट चक्रा के लिए थ्रोट चक्रा के लिए स्काई ब्लू है जो डे का स्काई का कलर होता है दिन का कलर होता है वो स्काई ब्लू हो गया ये रात का स्काई का कलर है इंडिगो और क्राउन चक्रा के लिए वायलेट या व्हाइट 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 ज्यादा पहनोगे हुँ. तो प्योरिटी ज्यादा वैसे भी आपका ब्लिसफुल ज्यादा अच्छा रहेगा तो जैसा आपको चाहिए जो एस्पेक्ट आपको बढ़ाना है और बैलेंस करना है आप उस एस्पेक्ट के कलर्स को भी आप अगर ज्यादा कंज्यूम करोगे तो उससे भी बैलेंसिंग होती है अच्छा सो हम मैनिफेस्टेशन की भी बात कर सकते हैं कि हम कैसे मैनिफेस्ट करें चीजें एक आम भाषा में आप बताओ बहुत टेक्निकली नहीं बट एक सिंपल इंसान कोई भी सुन के आपसे और उसको करे और उसको रिजल्ट मिले ऐसा कुछ बताओ पहली बात तो मैनिफेस्टेशन होती क्या है मैनिफेस्टेशन हाँ। ये होता है कि जब आपको एक गोल है आपके सामने और वो चीज आप अपनी जिंदगी में वो हासिल करना चाहते हैं या कोई आपकी जिंदगी में चेंज आपको चाहिए और वो आप अपने आत्मविश्वास कह लो या अपने प्रैक्टिस से उस चीज को अगर हासिल करना चाहते हो तो वो आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो यह हम कह सकते हैं तो मैनिफेस्टेशन के कई तरीके हैं सिंपल चीजों में बताना चाहूंगी कि अगर आपको कुछ भी चाहिए सबसे पहले तो आपके आसपास में बहुत अबंडेंस ऑफ चीजें अवेलेबल है जिसको आप यूज करके उसमें अगर अपना फोकस थॉट डालो तो बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट हो सकता है सबसे आसान चीज होती है पानी पानी इतना पावरफुल है इतनी मतलब उसके अंदर में शक्ति है कि अगर आपने उसको सही तरीके से यूज किया अपनी जिंदगी में तो बहुत कुछ आप मैनिफेस्ट कर सकते हो मैंने अपना घर मैनिफेस्ट किया पानी से ही तो क्या करना है सिंपल ग्लास में पानी पीने से पहले जो भी आपका गोल है वो स्पेसिफिकली अपने दिमाग में ला करके पानी को बोलना है कि यू आर हेल्पिंग मी टू गेट दिस एंड जैसे मैंने अपना घर मैनिफेस्ट किया तो एवरी टाइम मैं जब पानी पीती थी तो मैं पानी पीने से पहले बोलती हूँ कि मेरे पास एक बहुत अच्छा घर है बहुत बड़ी लोकेलिटी में घर है और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास ये घर है और पानी मुझे प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस में टेंस में बोल रहे हो और पानी थैंक यू सो मच कि आप मेरे को इंस्पायर्ड एक्शन इस चीज को करने के लिए जो इंस्पायर्ड एक्शन करनी चाहिए वो करने में मेरी हेल्प कर रहे हो मुझे कॉन्स्टेंटली याद दिला रहे हो कि मेरे पास एक अच्छा घर है इसीलिए मैं ग्रेटफुल हूँ अपने भाषा में आप कैसे भी इस चीज को बोलो पानी पीने से पहले इसको बोल सकते हो हाथ में पानी लेके होल्ड ले कर करके।, करके, करके हाँ कांच का ग्लास होना चाहिए जरूरी है या आप स्टील गिलास भी ले सकते हो कोई कोई मेटल में ले सकते हो नहीं आइडियली कांच के ग्लास में ज्यादा जरूरी है क्योंकि कांच के ग्लास में ना आपकी जो ऊर्जा है आपकी एनर्जी है वो ईजिली सीपन करेगा प्लस मेटल में ना रिएक्शन हो सकती है पानी के साथ लेकिन कांच में आज तक कोई रिएक्शन नहीं होता तो कांच के ग्लास में या कांच के बॉटल में आपने पानी भर लिया अपने दोनों हाथों से जब आप उधर देख करके बोल रहे हो ना तो आपके जो संकल्प है आपके इंटेंशन आपके थॉट्स के थ्रू उस पानी में ट्रेवल कर रहे हैं तो फोकस्ड एनर्जी जा रही है लेजर लाइट के जैसे और वो पानी में जाके मिल रहा है तो पानी को याद रहेगा कि आपको बार बार याद दिलाते रहे कि ऐसा आप कुछ करें इंस्पायर्ड एक्शन लें ताकि आपके पास वो घर आ जाए ऐसे जितने बार ही आप पानी पिएंगे उतने बार ही पोलो इनफैक्ट मैं तो रात को चिट में लिख करते प्रेजेंट टेंस में चिट में लिखती थी कि आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ हाउस ऑफ माई ड्रीम्स इन दिस दिस लोकेशन दिस दिस एरिया बाय दिस टाइम पीरियड और लिख करके चिट को पानी की बॉटल के नीचे रख देती थी, थी पूरी रात और सुबह उठ करके फिर मैं वो पानी डेफिनेटली पीती थी ये टेक्निक मैंने कम से कम एक साल किया और उसके बाद अचानक से हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हुआ करते थे उस टाइम पे बहुत ही मिनिमम पैसे में हमने इतनी अच्छी सोसाइटी में घर बुक की और ओवर द इयर्स कहीं ना कहीं बोलते हैं ना जब आपने घर बुक कर लिया तो कायनात आपको पैसे देती है सच में वी वे ब्लेस्ड विथ सम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज कहीं ना कहीं से आती गई और वो होते गया और हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने मैनिफेस्ट कर लिया अपना घर तो पानी इज अ वेरी पावरफुल टेक्निक कुछ भी चीज आपका मैनिफेस्ट करना हो अच्छी हेल्थ चाहिए किसी भी चीज है स्पेसिफिक इंटेंशन को पानी में बोलो और उसको फिर पी जाओ जितने बारी पानी पियोगे उतनी बारी आपको याद दिलाएंगे ये एक टेक्निक हो गया आपका दूसरा बहुत पावरफुल टेक्निक जो मेरे साथ काम करता है वो है जर्नलिंग क्योंकि जब आप लिखते हो ना आपने अपना थॉट्स जो है अपने इमोशंस के थ्रू अपने हाथों से वो बाहर निकाल रहे हो सो पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदल रहे हो आप तो एनर्जी कन्वर्जन वहीं पे हो रही है ट्रांसफॉर्मेशन तो वहीं हो रही है आपके लिखने से इंटरेस्टिंगली जो भी आप लिख रहे हो आपके लाइफ में धीरे धीरे वही चीजें चेंज हो जाएगी तो अपने आप को आप प्रोग्राम कर सकते हो लिख लिख के कि ये मेरी रियालिटी है तो अगर आपको रियालिटी चेंज करनी है जो आपको डिजायर्ड रियालिटी चाहिए वो आप उस पर लिखो प्रेजेंटेंस मेंसली ये काम करती है ये मैंने अपने साथ किया अपने घर के लिए uh, मैंने जर्नलिंग करके आई मैनिफेस्टेड माई हाउस वाओ अमेजिंग आई कैन बिलीव दैट क्योंकि मैंने जर्नलिंग करके बहुतों की जॉब्स दिलाई है दूसरों के लिए भी मैंने जर्नलिंग किया है और उनको भी मैंने दिलाई है अपने लिए तो बहुत सारी छोटी छोटी चेंजेस लाई हूं मैं जैसे फिजिकल फिटनेस को लेकर के मेरी कुछ कुछ कंसर्न्स थी बहुत सारी चीजें मैंने जर्नलिंग से मैनिफेस्ट किया है अपना तो फिजिकल फिटनेस के लिए हमें क्या लिखना चाहिए अपनी जर्नल जैसे आपको अगर वेट लॉस करना है तो अगर आप जितना स्पेसिफिक अपने दिमाग में कमांड्स डालोगे ना जैसे आजकल तो चैट जीपीटी का जमाना है सब लोग कमांड्स जानते हैं सब लोगों को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ऑटोमेटिक आती नहीं। है सो वट एवर प्रोम्ड आप अपने दिमाग में डालोगे और जो वो जितना स्पेसिफिक होगा उतना ही स्पेसिफिक आपका मैनिफेस्टेशन पावर्स बढ़ेंगी क्योंकि लेजर लाइक बढ़ेंगे हाँ, जैसे मुझे डायबिटीज डायबिटीज है और सुरेसिज है तो मैं क्या लिखू आई एम ब्लेस्ड टू कम्प्लीटली हील माई किडनी ये नहीं बोलोगे कि मेरे को डायबिटीज से हीलिंग होनी है क्योंकि आपका दिमाग जिस वर्ड पे आप जो वर्ड लिखोगे उसी वर्ड पे फोकस कर हाँ, मैं मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि आई एम लिविंग मेडिसिन फ्री लाइफ नहीं 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 बिकॉज इफ यू आर वॉन्टिंग टू लिव अ मेडिसिन फ्री लाइफ आप वो वर्ड मेडिसिन को अगर अपने दिमाग में प्रोग्राम कर रहे हो दैट मीन्स दैट यू आर वॉन्टिंग टू अट्रैक्ट दैट वर्ड मेडिसिन इन योर लाइफ ओके सो इफ यू डोंट वॉन्ट एड मेडिसिन और इफ यू डोंट वॉन्ट अ डेट यू विल नॉट से आई एम लिविंग अ लाइफ डेट फ्री यू विल नॉट से आई एम लिविंग अ लाइफ मेडिसिन फ्री आई एम लिविंग माई लाइफ नेचुरली माई बॉडी इज नेचुर ही बॉडी इज नेचुर परफेक्ट ओके ऐसा सो वॉट एवर यू डिजायर आप वो वर्ड में वर्ड चूज करना है केयरफुली जो hmm. आपको चाहिए जैसे आपको अगर पैसे चाहिए और अगर आपको डेट से मुक्ति चाहिए तो आप ये नहीं लिखोगे की आई एम डेट फ्री आप ये लिखोगे की आई एम अबंड लिखोगे आपको जो चाहिए वर्ड ना आई एम हेल्दी आई एम हेल्दी आई एम हेल्दी आई आई मन गुड हेल्थ आई एम My health is perfectly balanced. Okay. ये ये बिल्कुल लिख सकते हो आप सिंपल है आई एम हेल्थी माई हेल्थ इज परफेक्टली बैलेंस्ड यस दिस इज गुड यस आई एम गुड टू गो राइट हाँ ओके एक्चुअली क्या होता है कि हम बहुत सुनते रहते वीडियोज आती रहती हैं सामने सामने आपकी सुनते रहते हैं बट परफेक्ट वर्ड चूज करना इज अ बिग डील तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने पास से कुछ भी लिखते हैं तो वो गलत हो जाता है तो ये परफेक्ट वर्ड्स चूज करने भी बहुत जरूरी हो जाते हैं अच्छा एक टेक्निक के बारे में आप और बता रहे थे मिरर टेक्निक उसका हाँ, डिटेल बताएं। वो तो यू you नो know, बहुत बारी ये होता है कि स्पेशली जो सेल्फ लव प्रैक्टिस करना चाहते हैं अपने दिमाग में तो उनको मैं ये हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि एक मिरर वर्क आप करें अपने ऊपर जब हमको अपने आप को प्रायोरिटाइज करना होता है हमको अपनी आपको एक्सेप्ट करना होता है तो मिरर हेल्प्स वेरी वेल क्योंकि एक पोर्टल होती है मिरर आपको अपने से मिलवाने का एक बहुत बड़ा पोर्टल है मिरर तो जब आप मिरर में देखते हो तो रोज सुबह उठ करके ये एक चीज कर सकते हो अगर आपको अपने ऊपर सेल्फ लव को बढ़ाना है तो आप मिरर में देखें अपनी आंखों में आंखें डाल के बिल्कुल अपने आप को देखें और सिंपली ये चीज बोलो आई लव यू आई रियली रियली लव यू आप देखना इंटरेस्टिंगली हर दिन ना अलग अलग इमोशंस होंगे आपके कभी आपको हंसी आएगी कि मैं अपने आप को क्या बोल रही हूँ कभी आपको रोना आएगा कभी आपको बहुत अजीब लगेगा कभी आपको बिल्कुल अपने आपको हक करने का बहुत मन करेगा कभी तरस आएगा अपने ऊपर क्योंकि अलग अलग इमोशंस जब भी आते हैं ना उसको आप नोटिस करो और उसको एक्सेप्ट करो वो हर इमोशन को आप एक्सेप्ट करो तो देखना पूरी तरीके से आप अपने आप को एक्सेप्ट कर पाओगे अभी जैसे मैंने मिरर देखा I तो मुझे मेरे इमोशंस में आई आई गोट टेयर रियाज आई कैन डू आप कर, पहली बात तो बार बार रिपीट करोगे एटलीस्ट ट्वेंटी आप आई लव यू अपने आप को देख करके रिपीट करोगे उसके बाद लेट से जो भी इमोशन है वो अपनी नोटबुक में आप जर्नल करो okay. नोटिस दैट अबाउट योर सेल्फ क्या लिखू मैं उसमें की आई एम क्राइंग ओके आई एम क्राइंग आई आई टूडे द इमोशन आई फेल्ट जब मैंने okay. अपने आप को बोला कि आई लव यू तब मैंने अपने आप को रोते हुए देखा ये आपका ऑब्जर्वेशन है जैसे जैसे व्लॉग्स लिखते हैं लोग अपने ऑब्जर्वेशन पे वैसे जर्नल करो आप देखोगे की हर दिन आपका इमोशन चेंज हो रहा है तो जर्न आपकी डायरी में अलग अलग इमोशंस आपको खुद को ही दिखेंगे अपने बारे में तो आपको खुद को एक अवेयरनेस होगा कि ये भी मैं हूँ ये भी मैं हूँ ये भी मैं हूँ तो हर तरीके का जितने भी इमोशंस हैं आप सबको एक्सेप्ट करो और देखो फिर कितना फुलफिलिंग और कंप्लीट लगता है तो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है अपने ऊपर एक अलग रिश्ता आप क्रिएट कर सकते हो बहुत डीपर एक बॉन्ड अपने साथ क्रिएट हाँ, कर एक सकते एक नॉर्मली कहा जाता है ना कि अगर आप खुद से प्यार करोगे तो यूनिवर्स आपको चारों तरफ से प्यार भेजेगा बिल्कुल कहा जाता है ये ना जर्नल में भी माँ भी कहती थी कि खुद से प्यार करोगे तो सब तुमसे प्यार करेंगे तो ये इसी तरीके से शायद काम करता है उसका एनर्जेटिक एक्सप्लेनेशन ये है कि जब आप अपने साथ एक प्यार की एनर्जी लाते हो तो आपका वाइब्रेशन ऑटोमेटिक रेज हो जाता है हायर वाइब्रेशन में आपकी बॉडी वाइब्रेट करती है तो हमारा बॉडी ना वॉकिंग मैग्नेट होता है हमारा ब्रेन जब थॉट्स के थ्रू निकलता है फ्रीक्वेंसी तो इलेक्ट्रॉनिक फ्रीक्वेंसी होती है जब हम हमारी इमोशंस के थ्रू फ्रीक्वेंसीज को निकालते हैं तो वो मैग्नेटिक एनर्जीज होती है तो जब टोटल थॉट एंड इमोशंस को कंबाइन करके एक एनर्जी फील्ड क्रिएट होती है तो वो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक एनर्जी फील्ड क्रिएट होती है तो उससे क्या होता है इट कीप्स ऑन अट्रैक्टिंग डिफरेंट एनर्जीज तो लेट्स से आप बहुत लो वाइब्रेशन में हैं आपकी एनर्जी फील्ड तो आपके आसपास में जितने भी सिमिलर लोअर वाइब्रेशन वाला एनर्जी होगा वही आप अट्रैक्ट करोगे तो ज्यादातर वही मिलेंगी लेकिन जब आप सेल्फ लव या कोई हायर फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करोगे तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम सिर्फ हायर वाइब्रेशन को वाइब्रेट करती रहेगी तो आप वही ज्यादा अट्रैक्ट करोगे जो आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो अपनी दुनिया में अपनी एनर्जी फील्ड में तो अगर आप सेल्फ लव रिफ्लेक्ट कर रहे हो तो आपको बाहर से भी प्यार और मिलेगा क्योंकि वही आप अट्रैक्ट कर भी रहे हो बहुत अच्छा लगा सोमा आज तुमसे बात करके बहुत सारी चीज़ें मेरे भी दिमाग के जंतु खुले हैं दिमाग के जंतु खोल नहीं बोलते इनको तो बहुत सारी चीजों पे आई आई ऑल्सो स्टार्ट वर्किंग ऑन माई सेल्फ ऑल्सो और मैं आप लोगों से भी कहूंगी कि प्लीज डू इट छोटी छोटी चीजें हैं आप घर में रह के भी कर सकते हो कोई पैसा नहीं लगाना है आपको और कमेंट्स में जरूर बताना करके कुछ प्रैक्टिस आप करेंगे और बताएंगे और उसके बाद सोमा को फिर हम दोबारा बुलाएंगे और अच्छी फ्रिक्वेंसी पे हमें काम करवाने के लिए हमें बताने के लिए तो बहुत अच्छा लगा सुमा आज आपसे मिलके थैंक यू फॉर हैविंग मी मुझे बहुत मजा आया आपके साथ बात करके वैसे भी मुझे एक बहुत ही warm, बहुत ही फ्रेंडली एंड बहुत ही मदरली फीलिंग आती है एवरी टाइम मैं आपसे बात करती हूँ तो ऐसा लग ही नहीं रहा था हम लोग तो ऐसे नॉर्मली जैसे बात कर रहे थे ना वैसे ही मुझे लगा तो आई तो एंजॉयड एंजॉय माइ से थैंक यू सो मच व्यूअर्स को क्या बोलना चाहूंगी ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले आप हो आप हो तो सब कुछ है सो अपने आप को प्रायोरिटाइज करो अपने आप से प्यार करो अपने आप पे भरोसा रखो एंड लिव योर लाइफ मजे से कोई टेंशन मतलब सब कुछ प्रॉब्लम सोल्यूशन हो जाती है आपके प्रॉब्लम्स हमेशा आपसे छोटे हैं आप हमेशा आपके प्रॉब्लम से बड़े हो ये हमेशा याद रखना तो आपके ऊपर विश्वास खुद ही आ जाएगा एंड बिलीव कि जो भी हो रहा है कुछ रीजन से हो रहा है उसमें से लर्निंग लेने की कोशिश करो और खुश रहो स्माइल मोर इन योर लाइफ कैसा लगा आप लोगों को आज का एपिसोड इसी तरह के बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान वाले एपिसोड्स हम लेके आते रहेंगे सीखने की कोशिश करते रहिएगा और जुड़े रहिएगा आपके पास भी कोई स्टोरी हो कुछ बताने के लिए अच्छी बातें हों तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो ईमेल भी कर सकते हो मैसेज भी कर सकते हो और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल मत भूलना थैंक यू जुड़े रहने के लिए शुक्रिया थैंक यू